अपना क्वेश्चन है एंड दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन टिल डेट. नाउ व्हेन आई एम सेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर आपको लास्ट 3 साल के आप पेपर्स निकाल के देख लो, ये हर ऑल्टरनेट एग्जाम में पूछा गया हुआ सम है. मिनिमम 8 मार्क, 8 से लेके 12 मार्क के रेंज में. एंड ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये आपको सम खत्म होने पर पता चलेगा. मैं सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, ये जो सम है वो आज इंडिया के इकोनॉमी का हालत है और इंडिया के इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, उसका इशू है. सो ये एक सम के थ्रू मैं पूरा बैंकिंग सेक्टर आपको एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ आफ्टर वी फिनिश द सम. सो उसके साथ काफ़ी कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स एंड ऑल दैट है जो आप शेयर करो तो आपको मजा आया कि क्या चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में. सो दिस सम इज गोना बी यू नो योर रिविजन फॉर लास्ट 2 ईयर्स क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी में. वैसे तो पहले अपन सम पे फोकस करते हैं ताकि मेरे को चाहिए कि आपको ये सम आए तो पहले 10-12 मार्क्स आ जाए और फिर अपन इसके बारे में सब डिस्कशन करते हैं, ठीक है. चलो आपको एक चीज़ तो पता है, अपना MNA इज सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स. लेट आओ और जो सम पे आ जाओ. ओके, तो ये एक सम है जो आपके इंस्टीट्यूट ने लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा रिपीट किया है और ये एक सम के अंदर आप पूरा इंडियन इकोनॉमी में लो जो लास्ट बैंकिंग सेक्टर में और इंडियन इकोनॉमी में जैसे सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या इश्यूज है और सब ये एक बैंक के थ्रू, ये एक सम के थ्रू आपको एड्रेस होगा. वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द इकोनॉमी परस्पेक्टिव ऑल्सो. बट एज आई मेंशन बिफोर वी फोकस ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट, अपन ये देख लेते हैं कि सम को करने का कैसे, क्योंकि ये सम आया है तो 8 से 12 मार्क के लिए आया है और आपको ये सम में पूरा मार्क्स भी आना चाहिए. बट अगेन बिफोर आई गो अहेड इन द सम, आर एमएनए इज फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स. कैन यू ऑल रिपीट दैट एवरीवन? थ्री थिंग्स. जिस खरीदने जा रहे जिस कंपनी को उसका वैल्यूएशन, फिर एक्सचेंज और तीसरा इम्पैक्ट. मैं ये हर सम में रिपीट करूंगा ताकि आपको रियलाइज हो सम कैसा भी आए करना यही है. ये तीनों में से कुछ भी पूछा रहेगा. ओके, तो एवरीवन इन द क्लास. हाँ, पहले आई होप आप लोग को अपना सिस्टम पता है. सम आप देख रहे हो थोड़ा लंबा चौड़ा सम है तो आपको सम के साथ सब प्लॉट करते रहना. और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने एग्जाम दिया रहेगा उन्होंने शायद ये सम भी देखा रहेगा ऐसा. ओके, बैंक आर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 एंड इज डूइंग बैंकिंग इन इंडिया. द बैंक इज फेसिंग डू और डाई सिचुएशन. एवरीवन, हो रहा है क्या आज अपनी इकोनॉमी में डू और डाई सिचुएशन? ऐसे बहुत सारे बैंक्स का. देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रॉस NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एट 40% एंड CAR to CRAR रेशियो. दिस इज कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो और कैपिटल रिस्की वेटेड एसेट रेशियो, इसका नाम है अलग अलग, एट 4%. पब्लिक 2 इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है बैंक आर के बारे में जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. आप लोग अभी मत लिखना क्योंकि आपको पता नहीं कौन किसको अक्वायर कर रहा है, क्या है क्या नहीं. अब इशू कौन फेस कर रहा है? ये बैंक आर इशू फेस कर रहा है, राइट एवरीवन? क्या 2 चीज उन्होंने दी आपको इन्फॉर्मेशन में? पब्लिक जाग रहे हो क्या भाई लोग? ग्रॉस NPA दिया हुआ है. कितना इसका ग्रॉस NPA सर? 40% और उसका कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो इज एट अराउंड 4%. ये बैंक का हालत अच्छा है बुरा क्या है? बैड. ओके, द नेटवर्थ ऑफ द बैंक इज नॉट गुड, शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड रेगुलरली. लास्ट वीक इट वॉज ट्रेडेड एट ₹8 per share. मतलब जो इसका लास्ट अवेलेबल करंट मार्केट प्राइस था वो कितना था पब्लिक? ₹8. RBI audit suggested that the bank has either to liquidate or to merge with another bank. मतलब सर ये बैंक का क्या होने वाला है? ये बैंक किसी और बैंक को खरीदेगा या ये बैंक किसी और बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, बेसिकली ये बैंक बिकने वाला है. सो मैं क्या बोलूँ? वेरी गुड. क्या इसको मैं बोलूँ सर? मैं इसको बोल सकता हूँ टारगेट कंपनी. सो जो सामने वाला जो बैंक इसको खरीदने वाला होगा डेफिनेटली उसका फाइनेंशियल पोजिशन इससे बुरा होगा, बेटर होगा? बेटर होगा एवरीवन. So, इसका फाइनेंशियल पोजीशन में भी जब मेरे को ये सब रेशियोज दिए रहेंगे पब्लिक, जब मेरे को ये सब रेशियोज दिए रहेंगे तो वो जो भी बैंक है उसका ग्रॉस NPA ज्यादा होने वाला है कम होने वाला? एवरीवन इन द इंडस्ट्री नोज NPA ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? NPA कम होना चाहिए. तो ये वाले बैंक का NPA कम होगा. अब क्या है NPA मैं थोड़ी देर में डिस्क्लोज करूंगा उसको मेजर कैसे किया जाता है.
अपने को फुल फॉर्म तो पता है, बट व्हाट एग्जैक्टली एनपीए इज। दूसरा वाला रेशो है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। ये रेशो के अंदर आपको पता चलेगा व्हाट डज दिस रेशो एग्जैक्टली मीन, उसके नाम के अंदर कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। अभी क्या एग्जैक्टली रेशो मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूं, बट ये नाम के अंदर अगर आप डिटेल में जाओ, कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो सफिशियंट होना चाहिए, कम होना चाहिए कैपिटल, तो ये रेशो ज्यादा होना इज बेटर। एनपीए कम होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो अपन दूसरा बैंक लेने जा रहे, मतलब दूसरा बैंक जो है वो बेसिकली कौन होने वाला है सर, वो अक्वायरर होने वाला है, और उसका ग्रॉस एनपीए कम होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो ज्यादा होगा, वो अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी वही दिया रहेगा। बैंक पी इज प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक विद ग्रॉस एनपीए ऑफ 5% और नेट एनपीए उन्होंने बोला है जीरो है। नेट एनपीए सर, सर ग्रॉस एनपीए मैं आपको बता देता हूं, सब लिखा है मैंने वहां पे, बट ग्रॉस एनपीए में से अगर मैं प्रोविजन निकाल दूं, मतलब जितना प्रोविजन किया है उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको अपन नेट एनपीए बोलते हैं। सो सर इसका नेट एनपीए जीरो है, ग्रॉस एनपीए 5%, पहले मैं वो लिख लेता हूं, ग्रॉस एनपीए कितना बोला उन्होंने अपने को 5% कम है रिलेटिवली, और नेट एनपीए जीरो है मतलब प्रोविजन करने के बाद कोई एनपीए नहीं है, मतलब बेसिकली जितना एनपीए है उतना प्रोविजन कर चुके, टेंशन नहीं है। हाँ आगे सीएआर एट 16%, देखो जरा पब्लिक नोटिस करो, इसका सीएआर ज्यादा है रिलेटिवली एवरीवन। ओके और आगे दिया हुआ है इट इज कोटेड एट 128 per share, रुपीज 128 per share। ये कौन सा बैंक है पब्लिक, ये बैंक का नाम क्या है, बैंक पी बोला है ना उन्होंने, और तो ये बैंक आर अपना अगर अक्वायरिंग बैंक है, सॉरी टारगेट बैंक है, तो ये वाला बैंक अपना कौन सा है सर, अक्वायरर है बैंक पी। क्यों, आर तो पी को नहीं खरीदेगा, पी आर को खरीदेगा या मर्ज करेगा उसको। ओके द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक पी हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू आरबीआई फॉर टेकओवर ऑफ बैंक आर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, शेयर एक्सचेंज रेशो, मतलब सामने अपना शेयर देने वाला। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको दोनों बैंक का, नोटिस करना अच्छे से, पहले बैंक आर का दिया है फिर बैंक पी, स्टूडेंट इधर गड़बड़ कर देता है। बैंक आर कौन है, आर कौन है, आर कौन है, आर कौन है, टारगेट है, आप गड़बड़ मत करना। बैंक पी क्या है, अक्वायरिंग है, इंफॉर्मेशन में अपन ने उल्टा लिखा है तो सोच संभल के लिखना, गड़बड़ मत करना जब मैं फिगर पूछू तब, और एग्जाम में भी नहीं। पेड अप कैपिटल वगैरह सब दिया हुआ है एवरीवन, और पीछे दिया है इट वॉज डिसाइडेड टू इश्यू शेयर्स एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आर, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन फॉर स्वॉप रेशियो पब्लिक एक्सचेंज रेशियो उन्होंने वेट दिया हुआ है, क्या क्या वेट दिया हुआ है सर, ग्रॉस एनपीए, सीएआर, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, तीन चीज है और चौथा, चार चीज है पब्लिक। ग्रॉस एनपीए और सीएआर तो आप निकाल चुके हो एवरीवन, करंट मार्केट प्राइस भी है, एक चीज निकालना क्या बचता है, बुक वैल्यू, तो अपन पहले बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पब्लिक बुक वैल्यू के लिए जरा आप क्वेश्चन में देखो, बुक वैल्यू के लिए मेरा नजर जाएगा उनके बैलेंस शीट में, मैं देखूंगा क्या 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 किधर 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 बुक वैल्यू के लिए। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले बैंक पी का ऐड करना पब्लिक, तो पहले इंडिविजुअली लिख सकते हो आप क्या, शेयर कैपिटल भी लिख दूंगा मैं, दोनों का इंडिविजुअल जरूरत भी पड़ सकता है, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। बैंक पी का आप मेरे को वहां से फिगर बताओ, बैंक पी का क्या शेयर कैपिटल 500 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5500 लाख। बैंक आर का एवरीवन है क्या पब्लिक क्लास में, 140, और बैंक उसका रिजर्व एंड सरप्लस सर कितना है, 70 लाख है, तो इधर से मेरे को टोटल बुक वैल्यू मिल जाएगा, और उनका बुक वैल्यू कितना है यहाँ पे 6000 लाख और इधर 210 लाख। अच्छा सम में जरा ढूंढो, अपन सब बुक वैल्यू अपन सब पर शेयर पे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या, जरा ढूंढो 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 क्वेश्चन में जरा देखो, नंबर ऑफ शेयर्स या पेड अप वैल्यू दोनों में से कुछ दिया है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स या पेड अप वैल्यू, नहीं पेड अप शेयर मतलब फेस वैल्यू दिया हुआ है क्या पर शेयर का, नहीं दिया हुआ है तो अपना फर्ज बनता है अपन क्या करें सर, अपन फेस वैल्यू को अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करना चाहते हो आप पब्लिक, 10 रुपये। अगर मैं 10 रुपये फेस वैल्यू अज्यूम करता हूँ तो उससे मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर भी लिख सकता हूँ फेस वैल्यू अज्यूम करके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू 10 अज्यूम्ड,
उधर से करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 10 करो पब्लिक, कितना आ जाएगा 50 लाख, और इधर कितना आ जाएगा पब्लिक 14 लाख्स। एवरीवन विद मी, इससे क्या मिलने वाला है पब्लिक मेरे को, बुक वैल्यू पर शेयर। निकालो पब्लिक बुक वैल्यू पर शेयर, अपने को आएगा बुक वैल्यू पर शेयर, पहले वाले का आने वाला है 120 और इसका 15। एवरीवन ये चार चीजें क्यों निकाली, क्योंकि इसके बेसिस पे वो लोग एक्सचेंज रेशियो करने वाले हैं। एवरीवन अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अभी आपको बता देता हूं कि और क्या क्या करने का है सम में। एक तो सर जनरली अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज रेशियो आते ही आते 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 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं। तो उन्होंने पहले वाले में बोला व्हाट इज द स्वैप रेशियो, उसके बाद हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड, बराबर। अब ईपीएस ईपीएस नहीं निकालने का, उन्होंने दो चीजें बोली है नहीं, एक तो क्या है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर और कैलकुलेट CAR एंड ग्रॉस NPA ऑफ बैंक पी आफ्टर मर्जर। बैंक पी आफ्टर मर्जर क्या दो चीज निकालने का है, कंबाइंड बैंक का CAR और NPA, CAR और NPA। अब मुद्दे की बात आती है कि क्या है ये CAR रेशो और क्या है NPA। सो एवरीवन NPA, एवरीवन नोज NPA क्या बोलते हैं अपन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब पब्लिक कौन सा एसेट, वो एसेट जो एसेट बैंक का एसेट भाई, तभी क्या होता है बैंक का एसेट क्या होता है, जो बैंक ने लोन दिया है। सो बैंक ने जो लोन दिया है उसमें से जितना वल्नरेबल है, जितना टाइमली पे नहीं हो रहा है, वेदर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, वो सबको क्या बोलते हैं अपन, दोज आर ऑल क्लब्ड एज NPAs, ग्रॉस NPAs। तो जरा आपके सॉल्यूशन में यहां पे पब्लिक आ जाओ, NPAs के बारे में क्या लिखा हुआ है उस पे। एवरीवन क्या लिखा है मैंने, NPA व्हेन अ बैंक्स एसेट्स दैट इज एडवांसेस सीजेस टू जनरेट इनकम टू द बैंक, इट इज टर्म्ड एज NPA, ग्रॉस NPA। और उसमें अगर कुछ प्रोविजन किया है तो वो हटा के जो बचता है वो नेट NPA। हायर NPA क्या डिनोट करेगा पब्लिक, कि बैंक में डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है, दैट्स अ हायर रिस्क, बैंक का रिस्क डिफाइन करता है वो, हायर NPA इज हायर रिस्क। अब वहां पे मैंने डेटा लिखा हुआ है एज ऑफ मतलब वो मैंने लास्ट ईयर का डेटा लिखा हुआ है, 9.9% के हिसाब से इंडिया इज 5th ऑन द लिस्ट ऑफ क्या, हाइएस्ट NPAs इन द वर्ल्ड। अब रीसेंट फिगर अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर एंड का डिसंबर 2018 के हिसाब से इंडिया में 11.20% इज द टोटल NPA विच कम्स अराउंड 10.39 लाख करोड़, इतना डिफॉल्ट में है एवरीवन। अब ये क्यों है वो अपने को सम के बाद अपन कनेक्ट करेंगे और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है क्या नहीं, बट ये है NPA। अब ये बेसिकली NPA क्या चीज का होता है, जितना आपने एडवांसेस दिया उतना, तो जितना मैंने एडवांसेस दे के रखा है मार्केट में उतने में से जितना भी अमाउंट वल्नरेबल है दैट इज माई NPA रेशियो। एवरीवन सो व्हाट इज माय ग्रॉस NPA रेशियो, मेरा ग्रॉस NPA परसेंटेज में जब मैं निकालू ग्रॉस NPA परसेंटेज, सो सर अगर मैं यहां पे लिखूं माय ग्रॉस NPA परसेंटेज, ग्रॉस NPA परसेंटेज क्या होगा पब्लिक, ग्रॉस NPA परसेंटेज जितना भी NPA है पब्लिक, जितना भी मैं लिखूंगा, मैं वहां पे लिखूंगा जितना भी मेरा टोटल NPA है, जो मेरे को फिगर दिया रहेगा वो एडवांसेस का कितना हिस्सा है, टोटल एडवांसेस का कितना हिस्सा है इनटू 100, दैट इज गोना बी माय ग्रॉस NPA रेशियो पब्लिक। ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, आपके NPA का जितना कम हो उतना बेटर, राइट। आप देख रहे हो जो बैंक डूबने के कगार पे, उसका NPA बहुत ज्यादा है एवरीवन, और जो बैंक का स्टेबिलिटी ज्यादा है वो उसका ग्रॉस NPA रेशो कम है, ओके okay? हाँ अब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो क्या बोलता है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो वो ये बोलता है कि बैंक जनरली जो बिजनेस करता है उसमें जो बैंक पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है, समझो बैंक ने पब्लिक से 100 रुपए कलेक्ट किया, वो पूरे का पूरा लोन दे सकता है क्या, 100 100 100 पूरा लोन देता है, कुछ कंपलसरी रखना पड़ता है काय को, नहीं कंपलसरी रखना पड़ता है, हाँ क्या क्या चीज के लिए, लिक्विडिटी, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं कंपलसरी है वो, रिजर्व रेशियोस CRR SLR, वो कंपलसरी बैंक को प्रोविजन में रखना पड़ता है। किधर CRR कैश और SLR ये किसके पास पड़ा रहता है, सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास पड़ा रहता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स T-bills और इन अदर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड ऑल। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है जो बचा हुआ पैसा है वही बैंक लोन दे पाएगा। अब बैंक को डिफॉल्ट होने का चांस किसके है,
मतलब विच इज द रिस्की एसेट, द वन विच इज बिंग इन CRR SLR और वन दैट इज गिवन टू लोन, गिवन एज लोन. नाउ दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिस्की वेटेड एसेट. क्या बोला जाता है उसका नाम, मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्या, ये जो उन्होंने दिया ना रिस्की वेटेड एसेट, रिस्की कैपिटल, रिस्की वेटेड एसेट रेशियो. अब ये रिस्की वेटेड पब्लिक जो लोन दिया हुआ है उसमें बैंक का खुद का कैपिटल कितना इन्वॉल्व है, खुद का. बैंक बाहर, बैंक क्या करता है, बैंक तो मीडिएटर है, पब्लिक का डिपॉजिट ही आगे देता है ना. पब्लिक अगर ये पूरा पैसा बैंक अपना खुद का एक रुपया भी ना डाले और जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया है वही पूरा लोन दे दे तो बैंक तो टेंशन फ्री हो जाएगा. बैंक तो जैसे तैसे लोन ले देगा, क्यों, डिफॉल्ट हो तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो एक भी पैसा नहीं जा रहा है. तो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो ये बोलता है कि तुमने जो रिस्की पैसा है तुम्हारा, रिस्की वेटेड एसेट, उसमें तुम्हारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन भी करो, खुद का फंडिंग भी करो. उससे क्या हो जाएगा, उससे अगर डिफॉल्ट हुआ तो तुम भी, तुम्हारा भी पैसा जाएगा, सिर्फ डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं जाना चाहिए. गुड थिंग और बैड थिंग, एवरीवन, इट्स अ गुड थिंग. सो जितना ज्यादा बैंक का खुद का पैसा इन्वॉल्व रहेगा उतना डिपॉजिटर्स को टेंशन कम रहेगा कि भाई मेरा ही नहीं बैंक का भी पैसा डूबेगा अगर उसने गलत आदमी को लोन दिया तो. इसके ऊपर बना है बेसल नॉर्म्स, बेसल आपने शायद सुना रहेगा, बेसल नॉर्म्स, बेसल वन, बेसल टू, बेसल थ्री, दीज आर बेसल नॉर्म्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ मच बैंक शुड पुट इन देयर ओन कैपिटल, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो. सो ये बेसल नॉर्म्स, बेसल बेस्ड ऑन द कैपिटल, वन ऑफ द सिटी इन स्विट्जरलैंड जहाँ पे ये पास हुआ था. सो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, बेसल वन टू थ्री के हिसाब से बैंक शुड पुट इन मोर एंड मोर कैपिटल, देयर ओन फंडिंग. So, what is capital adequacy ratio? It denotes the contribution of banks in the total risky weighted asset of the bank. A higher ratio, kya denote karega public? Higher protection for the depositors and hence it is better considering the bank's financial strength. Jitna zyada hoga utna better hai. Jaise apne solution mein bhi aap dekhoge, to apne solution mein wo jo bank hai, public, kaun sa? Bank P, uska CR dekho. 16% hai compared to bank R, jiska halat kharab tha. बेसल थ्री नॉर्म्स स्टिपुलेटेड CAR रेशो ऑफ कितना, 8%. तो लेटेस्ट जो बेसल थ्री नॉर्म्स था उसके हिसाब से इंडस्ट्री को क्या बोला गया बेसल नॉर्म्स ने, ग्लोबल बैंक्स को क्या बोला हुआ है कि आप कितना मेंटेन करो, 8%. तो आप पब्लिक को जितना लोन दे रहे हो उसका 8 रुपये खुद का होना चाहिए 100 रुपये में से. आरबीआई ने थोड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन दिया है, आरबीआई ने थोड़ा स्ट्रिंजेंटली बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है अपने इंडियन बैंक्स को फॉलो करना है. क्या बोला है, हाउएवर एज पर आरबीआई नॉर्म्स स्केड्यूल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सीआर ऑफ कितना पब्लिक, 9%. इंडियन बैंक्स को कितना मिनिमम मेंटेन करने का, 9%. जरा देख रहे हो पब्लिक, जरा देख रहे हो अपना ये जो बैंक है इसका कितना है, 4% हो गया, बहुत सब्सटेंशियली गिर गया है ना. इसीलिए बैंक ने बोला दुकान बंद करते तेरा या मर जाओ जा किसी के साथ, तू बहुत ज्यादा गिर गया. सो क्या बोलता है आरबीआई, कितना मिनिमम मेंटेन करने का, 9%. उसमें भी आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक को बोला है तुम मिनिमम कितना मेंटेन करो, 12%. मतलब 9% पास होने के लिए 12% एग्जेम्पशन के लिए. समझे क्या तुम पब्लिक, अभी आप बोलोगे सर पास होने से मतलब है लेकिन एग्रीगेट नहीं होगा, आरबीआई के नजर में आ जाओगे तुम अगर 12% में नहीं किए तो. तो तुमको मिनिमम कितना चाहिए, 12. जरा देखो देखो देखो, अभी सम से ये कोई चीज लेना देना ना हो, बड़ा सम में नोटिस करो बैंक पी का हालत अच्छा है, उसका 12 से ज्यादा है, अंडरस्टैंड. और अभी आप नोटिस करो बैंक आर का 12 से बहुत कम है, इसीलिए तो बैंक आर का एनकाउंटर निकल गया कि तुम्हारा काम हो गया, अभी जाओ बैंक पी के साथ मर्ज करो या बंद कर दो. समझे क्या पब्लिक, अभी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो मतलब क्या, जितना रिस्की वेटेड एसेट है उसमें बैंक का खुद का कैपिटल कितना इन्वॉल्व है. ऐसे रेशियो याद रहेगा तुमको बैंक का. अभी मैं आपको पूछूं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, तो मैं इधर लिखता हूं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो मतलब क्या, कितना खुद का कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है कैपिटल, कितने में से वो जो रिस्की वेटेड एसेट है. रिस्की वेटेड एसेट मतलब वो पैसा जो बैंक ने पब्लिक को एडवांसेस दिया हुआ है, बैंक डिपॉजिटर का कलेक्ट किया हुआ सब पैसा एडवांस में देता है क्या, देता है क्या, देता है क्या, नहीं देता है, बाकी किधर रखता है सर, घर पे CRR SLR में, ऐसा बोलते रहो. अंडरस्टूड, हाँ. सो दैट इज कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, हायर होना चाहिए लोअर होना चाहिए पब्लिक, हायर होना चाहिए लोअर होना चाहिए, हायर द रेशियो बेटर इट इज.
अब उन्होंने क्वेश्चन में अपने को यही बोला है कि पहले तुम स्वैप रेशो निकालो और कितने शेयर इशू कर रहे हो वो निकालो, फिर प्रिपेयर करो बैलेंस शीट एवरीवन। सो पब्लिक, यहाँ तक आपने सब इन्फॉर्मेशन लिखा बैंक पी बैंक आर का, बैंक पी बैंक आर का। तो अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्वैप रेशो निकालने जा रहे हैं। स्वैप रेशो या एक्सचेंज रेशो, आप इसको जो भी नाम दो, लेकिन आपको इसके लिए मेरे को अच्छे से बिना गलती किए इसके मेरे को वेट्स बताने के, वेट्स 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 वेट्स। पहले वाले का ग्रॉस एनपीए का क्या वेट दिया हुआ है, पहला कौन है ग्रॉस एनपीए का, कितना है पब्लिक, एवरीवन इन द क्लास 30%। तो मैं ग्रॉस एनपीए जो भी रहेगा रेशो, ग्रॉस एनपीए का मैं लेने वाला हूं 30%। फिर सेकेंड वाला क्या है, लाइन से देखना अच्छे से, सीआर का 20%, तो जो भी सीएआर होने वाला है उसका 20%। नेक्स्ट पब्लिक मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस या एमपीएस आप जो भी लिखो, उसका कितना प्रतिशत है पब्लिक, 40%, 40, 50, 60, 90। हाँ, तो बचा अभी क्या, बुक वैल्यू पर शेयर का कितना परसेंटेज होगा, 10% होगा। इधर गलती मत करना, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है पूरा एक्सपेंस रेशो पे सम है, एक्सपेंस रेशो का एक्सचेंज रेशो पे सम है। तो इधर मेरे पास स्वैप रेशो आने वाला है, लेकिन उसके पहले जरा एक नजर अच्छे से देखना पब्लिक, करंट मार्केट प्राइस जिसका ज्यादा होगा, मतलब टारगेट का अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, देखना ये सबसे बड़ा फैक्टर, करंट मार्केट प्राइस टारगेट का ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा शेयर दूंगा कम शेयर दूंगा। अभी तक क्या किए तुम, करंट मार्केट प्राइस टारगेट का ज्यादा रहेगा तो उसको रिलेटिवली दोस्त ज्यादा शेयर जाएगा कम शेयर जाएगा, ज्यादा शेयर जाएगा। टारगेट का बुक वैल्यू ज्यादा रहेगा तो उसको ज्यादा शेयर जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू इज अ पॉजिटिव क्राइटेरिया। सीआर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, तो जिसका सीआर ज्यादा उसको शेयर्स भी ज्यादा। लेकिन 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 जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएमवीएम देखते हैं, और कभी कभार मेरे को स्टूडेंट ऐसा भी मिलते हैं, सर इंस्टीट्यूट के पीएम में कुछ गड़बड़ हो गया। मैं बोला क्या गड़बड़ हो गया, सर वो एनपीए वाले में ना ऊपर नीचे कर डाला है, ऊपर नीचे। अब मैं बताता हूं क्या, एनपीए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एनपीए जिसका ज्यादा उसको शेयर्स कम मिलेगा, इसीलिए सिर्फ मात्र ओनली एनपीए के केस में आई विल राइट एनपीए ऑफ अक्वायरर अपॉन टारगेट, बाकी सब में पॉजिटिव क्राइटेरिया है, जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन एनपीए जिसका ज्यादा होगा उसको कम शेयर मिलेगा। बहुत सारे लोग ये पीएम में सम देखते और बोलते अरे इधर इंस्टीट्यूट का एरर है, कोई इंस्टीट्यूट का एरर नहीं है, बाकी सब रेशो ज्यादा होगा तो ज्यादा शेयर मिलेगा, एनपीए कम होगा तो ज्यादा मिलेगा। गेटिंग दैट एवरीवन। देखा था ये सम किसी ने सम देखा था, नहीं देखा था, अच्छा चलो एवरीवन। तो अभी पब्लिक सब फिगर्स है आपके पास अच्छे से, तो आप फिगर से मेरे को स्वैप रेशो निकाल के दे दो जरा पब्लिक, कोई गलती मत करना। मैं आप चाहता हूं कि आप थोड़ा खुद से अच्छे से स्वैप रेशो निकालो। एनपीए के केस में किसका लेना पहले, अक्वायरर का लेना न्यूमरेटर में, तो आप एनपीए लोगे क्या 5/40 इंटू 0.3 एम प्लस, कैपिटल एडुकेंसी रेशो में लोगे 4/16 इंटू 0.2 एम प्लस मार्केट प्राइस में 8/128 इंटू 0.4 एम प्लस, और बुक वैल्यू पर शेयर में 15/120 इंटू 0.1 एम प्लस एन एम आर सी। योर एक्सचेंज रेशियो शुड बी एवरीवन इन द क्लास विदाउट एन एरर 0.125:1 एवरीवन, ये आना चाहिए आपका एक्सचेंज रेशियो। ये है आपका पहला आंसर पार्ट वन या ए जो भी उन्होंने बोला। एवरीवन जरा इस चीज को हाईलाइट करना, एनपीए वाले केस में इसमें अक्वायरर अपॉन टारगेट है, मैंने वहां पे भी सॉल्यूशन में भी आप देखोगे तो उसको हाईलाइट किया हुआ है, समझा क्या। एक्सचेंज रेशो आते ही एवरीवन अंडरस्टूड क्यों अपन ने उसको अक्वायरर अपॉन टारगेट किया, बिकॉज एनपीए ज्यादा होगा तो ज्यादा शेयर नहीं जाना चाहिए कम शेयर जाना चाहिए। दूसरा सीधा यही चीज आते हुए अपन द सेकेंड थिंग दैट वी डू इज व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड निकाल दो पब्लिक, नंबर ऑफ
शेयर्स आप कितना इशू करोगे टारगेट को, आप इशू करोगे 0.125 इंटू उसके पास कितने शेयर आपने रखे, 14 लाख शेयर्स, तो इंटू 14 लाख करोगे तो आपको आएगा वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना पब्लिक, एनीबॉडी, 1.75 लाख शेयर्स, प्लस अक्वायरर के ऐड कर दो आप, प्लस एग्जिस्टिंग शेयर जो है अक्वायरर के वो आप ऐड कर दोगे, दैट इज कितना अराउंड, मैं ऐड कर दूंगा पुराने शेयर जो मैंने रखे 50 लाख शेयर्स, तो पोस्ट मर्जर मर्ज एंटिटी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे कितने, हो जाएंगे 51.75 लाख शेयर्स हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग। एवरीवन, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या स्वॉप रेशियो, यहां पे थोड़ा यूनिक, समझे क्या पब्लिक? अब पब्लिक उन्होंने जो पार्ट सी में बोला है बैलेंस शीट निकालो, अपन बाद में निकालते हैं, पहले क्या कर देंगे सर, दोनों मर्ज दोनों कंपनी का ये रेशियो निकालते हैं, मर्ज होने के बाद ग्रॉस एनपी और सीआर रेशियो क्या हो जाएगा मर्ज होने के बाद, तो मर्ज होने के बाद क्या आप मेरे को बता सकते हो एनपीए वगैरह उनका बढ़ेगा गिरेगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन मर्ज कंपनी का, जरा नोटिस करो, मैं लिख तो दूंगा दोनों का बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मर्ज होने के बाद कौन सा बैंक रहने वाला, बैंक पी, बैंक पी, बैंक पी, बैंक पी का एनपीए, एनपीए कितना है, एनपीए 5%, तो बैंक पी का एनपीए 5% है, तो मैं पहले बैंक पी का डिटेल्स लिख देता हूँ, बैंक पी के डिटेल्स में लिख देता हूँ, बैंक पी, बैंक पी, हाँ बैंक पी का डिटेल्स लिख देता हूँ, बैंक पी का मेरे को चाहिए, मेरे को बैंक पी बैंक आर का जो डिटेल्स है उससे मेरे को मर्ज बैंक, मतलब बैंक कौन सा वाला, मर्ज बैंक कौन सा बैंक पी रहने वाला है मर्जर के बाद, उसका कंबाइंड मेरे को एनपीए चाहिए। अब मैं इवन तो मैं आंसर निकालूंगा कैलकुलेट करके बट उसके पहले ही मेरे को पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट समझा। अब पब्लिक बैंक बी का, बैंक पी के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक पी का अभी फिलहाल एनपीए 5% है और बैंक आर का 40% है, मर्जर करने के बाद मर्ज एंटिटी का एनपीए मतलब क्या हो जाएगा, 5 से थोड़ा बढ़ जाएगा, 40 से तो कम ही होगा बट 5 से बढ़ जाएगा। तो अभी मैं कैसे निकालू मर्ज एंटिटी का, आपको इसके लिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो अपने को क्या ग्रॉस एनपी अमाउंट चाहिए या टोटल एडवांसेस, जरा देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, पब्लिक पब्लिक मतलब बैलेंस शीट में ऐसे कुछ मिल रहा है क्या आपको, एनपीए का अमाउंट या परसेंटेज कुछ मिल रहा है क्या पब्लिक, जरा देखो 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 कुछ भी नहीं मिल रहा है, ग्रॉस एनपी या टोटल एडवांसेस दोनों में से कुछ भी, जरा देखो पब्लिक टोटल एडवांसेस दिया हुआ है आपको कितना है, 27,000 और 3,500 मिला क्या पब्लिक, सो क्यों ना मैं इसको इनकलकेट कर दूं अपने क्वेश्चन में, तो मेरे को एक चीज तो पता है कि ग्रॉस एनपीए निकलता कैसे, ग्रॉस एनपीए के लिए मेरे को यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का अमाउंट चाहिए और एडवांस चाहिए, अभी उन्होंने मेरे को परसेंटेज एनपीए दिया हुआ है, परसेंटेज एनपीए दिया हुआ है कितना है इसका, 5% और 40%, और उन्होंने मेरे को टोटल एडवांसेस का अमाउंट अभी दिया हुआ है कितना है, बैंक पी का टोटल एडवांसेस बोलो कितना कितना कितना, बैंक पी का बोलना गड़बड़ मत करना, इसीलिए मैंने बोला अच्छे से लिख दो उधर कितना, 20 मिला क्या पब्लिक, मेरे को लग रहा है कुछ मिल ही नहीं रहा है, पब्लिक अभी भी शॉक में, बैंक आर का, आर का, आर का कितना, 3,000। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो मैं ढूंढ क्या रहा हूं, मैं ग्रॉस एनपीए अमाउंट ढूंढ लेता हूं, ग्रॉस एनपीए अमाउंट कितना होगा पब्लिक, फॉर्मूला पे मत जाना, टोटल एडवांस 27,000 है उसका 5% है ग्रॉस एनपीए, समझे क्या, ऐसा याद रखना, तो बेसिकली एनपीए अमाउंट कितना होगा, करो 27,000 का 5% निकालो पब्लिक, ये 1,350 सब लैक्स में, सो एवरीथिंग इज इन लैक्स, और 3,500 का 40%, 1,400, तो कंबाइन कंपनी का दोनों का ऐड करो तो आपको आ जाएगा 2,750 लाख, कितने में से दोनों का एडवांसेस ऐड करो, दोनों का एडवांसेस ऐड करो, 27,000 प्लस 3,500, 30,500 लाख का 2,750 इधर से मुझे मिलेगा, मर्ज एंटिटी का एनपीए परसेंटेज कितना हो जाएगा सर, वो एक पता है 5 से ज्यादा 40 से कम कितना हो जाएगा ये सर,
9.02% है, ये मेरा आंसर है। समझा क्या पब्लिक? सेम चीज अगर मैं करने जाऊं पब्लिक, यहां पे अगर सेम चीज मैं सीआर के बारे में करने जाऊं, तो आप आंसर निकालो, उसके पहले आपने बताना है वहां पे बैंक पी का सीएआर क्या है। बैंक पी का सीएआर जरा बताओ पब्लिक, 16%, तो बैंक आर का बहुत कम है एवरीवन 4%। मर्जर के बाद क्या हो जाएगा? मर्जर के बाद जो मर्ज बैंक है उसका थोड़ा कम हो जाएगा, बट कितना कम सर? जितना भी कम होगा, बैंक अगर मैं पी की बात करूं तो उसका 16, इसका 4 है पब्लिक, 16 से कम, लेकिन 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 4 से ज्यादा। ऐसा दिमाग में पहले बिठाना फिर करना। तो अभी मैं सीआर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो अपने पास टोटल कैपिटल और रिस्की वेटेड एसेट होना चाहिए, तब जाके मेरे पास मर्ज एंटिटी का आएगा। अब आपको जरा बैलेंस शीट में थोड़ा छान मारना है और बताना है मेरे को, क्या आपके पास टोटल कैपिटल और आरडब्ल्यू है रिस्की वेटेड एसेट में से कुछ है क्या? जरा देखो टोटल कैपिटल है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उसने, और अभी आपने ये भी बताया ना कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो तो है ही। सो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो कितना है अपने पास? कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो बैंक पी का 16% और इसका 4%। टोटल कैपिटल जरा क्वेश्चन में जाके बैलेंस शीट में देखो, टोटल कैपिटल मतलब मैं क्या देखूंगा पब्लिक? कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना देखूं मैं? क्या देखूं? एक स्टूडेंट ने बोलना चाहिए, सिर्फ शेयर कैपिटल देखूं क्या? शेयर होल्डर फंड देखूंगा, वो भी तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। कितना है जरा शेयर होल्डर फंड का? बैंक पी का पहले देखो पब्लिक, आपने निकाला हुआ उधर बुक वैल्यू में 6000 और इसका 210, तो जरा वो अपन ले लेते हैं। इसका 6000 पब्लिक, 6000 लाख और इसका 210 लाख। इधर से मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है, रिस्की वेटेड एसेट की रिस्की वाला पोर्शन कितना है। जरा अभी क्वेश्चन, अभी कोई इस चीज का कोई फॉर्मूला नहीं, अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्या है सी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। कुछ तो रिस्की वेटेड एसेट है, उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो 16% है, मतलब ये जो 6000 लाख है वो रिस्की वेटेड एसेट का कितना है? 6000 लाख जो है इधर टोटल कैपिटल, वो रिस्की वेटेड एसेट का कितना है पब्लिक? कितना है? 16% है, इसके लिए तो सीआर 16% आया। सो हाउ मच इज द 6000 लाख एवरीवन इन द क्लास? मैडम शबी कितना है, थोड़ा शौक से बाहर निकलो, ये कितना है 6000 लाख जो है वो कितना परसेंटेज है? 16%। सो हाउ मच इज 100%? दैट इज योर रिस्की वेटेड एसेट, निकालो जरा। कर रहे तो पब्लिक भी करो थोड़ा। कितना? 37,500 लाख। आपने इतना मार्केट में लोन दिया है, सामने आपका 6000 लाख का खुद का इक्विटी फंडिंग है, दैट बिकम सीआर ऑफ 16%। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो। आपने जितना मार्केट में रिस्की एसेट है आपका, जिसमें रिस्की वेटेड एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से डिफॉल्ट होने का चांस है, जो टी बिल में पड़ा उसका थोड़ी डिफॉल्ट होने वाला, तो जो रिस्की वेटेड एसेट है उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उसको कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो बोलते। तो पब्लिक आप बता सकते हो ये जो 210 लाख है वो कितना परसेंटेज है बैंक आर का? सिर्फ 4%। तो रिस्की वेटेड एसेट निकालो उसका पब्लिक, 5250। तो टोटल रिस्की वेटेड एसेट मेरे को दोनों का ऐड करूंगा तो मिलेगा 42,750 लाख, और उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 6,210 लाख। दैट विल गिव मी सीएआर जो मेरे को पता है 16 से थोड़ा कम हो जाएगा, विच इज हाउ मच पब्लिक? 14.53%। समझा क्या पब्लिक एवरीवन? अब ये अपना पार्ट, एक्चुअली उन्होंने पार्ट डी में अपने को ये बोला था, अपन ने पहले ये निकाल दिया और उसके ऊपर बैलेंस शीट निकालने का। बट क्या आपको ये अभी फिलहाल चीज समझा कि अपन ने क्या किया यहां पे? अगर आप मेरे को एक चीज नोटिस करके बताओ, मैंने अभी आपको जो बताया ग्लोबल, ये इंडिया का ओवरऑल रेशो कितना है, इंडिया का एवरेज एनपीए कितना है, अभी मैंने लेटेस्ट फिगर आपको बताया 11.2 दिसंबर 2018 के हिसाब से। तो सर आरबीआई भी क्या बोलेगा, तुम्हारा रेशो क्या है, जरा देखो तुम्हारा रेशो क्या है, 11.2 से ज्यादा तो नहीं जा रहा है? जा रहा है क्या 11.2 से? मर्ज बैंक का कितना है? मर्ज बैंक का
एनपीए कितना जा रहा है मर्ज बैंक का? 9.02. गुड बैड, गुड बैड, एवरेज से कम, इट्स गुड. सीआर कितना बोला बेसल नॉर्म्स ने? कितना बोला मेंटेन कर रहे बेसल नॉर्म्स ने? 8%. आरबीआई ने कितना बोला बैंक को? 9%. उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना बोला? 12. अपना देखो 12 से बेटर है. मर्जर अप्रूव्ड, समझे क्या? ये रेशो से हिल जाता, एवरेज इंडस्ट्री रेशो से हिल जाता तो शायद आरबीआई बोलता नहीं नहीं नहीं, नहीं अलाउड. एवरीवन, ये सब सम के रिगार्डिंग नहीं है, बट आप सम से कनेक्ट करो, आरबीआई के नॉर्म्स को एडजस्ट कर रहे. अब मर्ज बैंक का अपन बैलेंस शीट कंसोलिडेट करेंगे. और अब आप लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक रिजर्व बनाने का, जो मैडम आपने बोला था मैं एग्जाम में प्रेजेंट करूं नहीं करूं चलेगा कि नहीं, पता है क्या चीज के बारे में? कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व. उसका अपन क्या करेंगे अभी देखेंगे, राइट? तो ऐसा रेयरली कोई सम में हुआ है, बट ये सम में उन्होंने अपने को बोला है बैलेंस शीट निकालो, तो अपन बैलेंस शीट भी अच्छे से निकाल लेते हैं, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक किया पब्लिक आपने, ये जो सी ए आर रेशो वाला है ये करना जरूरी, पूरा सम एंड टू एंड लिख के करना है आपको बाद में. लेकिन उसके पहले अभी जरा देख लेते कि बैलेंस शीट में क्या स्ट्रक्चरल चेंज होगा. पब्लिक बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कोई फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं अपने SFM में, आप नॉर्मल टी बैलेंस शीट बना सकते हो. सो यहाँ पे मैं पार्ट सी बाद में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ. पब्लिक बैलेंस शीट आप लिख देना, कौन से बैंक का बैलेंस शीट बनेगा? ये बैलेंस शीट ऑफ बैंक पी एज ऑन जो भी डेट है. क्यों बैंक पी? बट कौन सा वाला? मर्ज बैंक. एवरीवन, उसमें जरा फिगर्स देखो वहां पे कौन से पब्लिक फिगर्स है आपके पास, जो आप दोनों का सिंपल मर्जिंग करोगे वो वाले कौन से फिगर है यहाँ पे? लायबिलिटीज में, एसेट में. हाँ, पब्लिक क्वेश्चन में जरा देखो क्या क्या सिंपली मर्ज हो जाएगा. जिसको मैं नहीं छेड़ूंगा अभी वो है इक्विटी शेयर होल्डर फंडिंग, उसमें चेंज आने वाला है. बट उसके अलावा का सर, डिपॉजिट, अदर लायबिलिटी, कैश इन हैंड, बैलेंस विद अदर बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, अदर एसेट्स, वो सब में कोई चेंज नहीं. तो जरा मेरे को दोनों का एडिशन करके बताना. मैं एक एक फिगर लिखता हूँ. पहला उन्होंने दिया है वहां पे, मैं इस तरफ एसेट साइड पे मैं लिख देता हूँ कैश इन हैंड. फिगर बताओ पब्लिक मेरे को कितना? 2900. बैलेंस विद बैंक्स 2000, दोनों का ऐड करके. फिर इन्वेस्टमेंट्स है और एडवांसेस है. इन्वेस्टमेंट कितना पब्लिक? 16100, दोनों का ऐड करके. एडवांसेस दोनों का अभी आपने ऊपर ऐड किया था 30500, और अदर एसेट्स है 2100. एवरीवन, राइट राइट राइट, जरा टोटल भी मार दो पब्लिक, उसका कितना आता है? इधर इस साइड क्या क्लब होने वाला है बिना कोई मगजमारी का? क्या डिपॉजिट्स और अदर लायबिलिटीज? तो पहले मैं डिपॉजिट्स और अदर लायबिलिटीज दोनों को ऐड कर दो पब्लिक, कितना होता है? 44,400 कहां से? अदर लायबिलिटीज ऐड करो, 3390. एवरीवन, अब होने वाला है स्ट्रक्चरल चेंज. अब पब्लिक सबसे पहले पेड अप कैपिटल में, मैं पेड अप कैपिटल लिखता हूं, पेड अप कैपिटल. पब्लिक कितना शेयर्स है पेड अप शेयर कैपिटल? अपन ने अज्यूम किया एट फेस वैल्यू ऑफ 10. कितना शेयर जरा देखो, देखो 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 मर्जर के बाद 51.75, 10 रुपए वाला. तो मैं इधर लिख देता हूं 51.75 लाख शेयर 10 रुपए वाला, विच इज गोना बिकम हाउ मच? 517.50. एवरीवन, और अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस. पब्लिक रिजर्व्स एंड सरप्लस वहां पे मेरी बात अच्छे से सुनना, अभी अपन कैसे करने वाले रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन सा बैंक है अभी मर्जर के बाद? कौन सा बैंक है? बैंक पी. तो बैंक पी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बताओ मेरे को पब्लिक कितना? 5500 मैं लिखूंगा इधर, 5500. और अभी जरा ध्यान दो, आपका पेड अप कैपिटल पहले कितना था बैंक पी का? बैंक पी का, बैंक पी का 500, राइट? अभी कितना हो गया पेड अप कैपिटल? 517.5. कितना फर्क है? 17.5 का उधर फर्क है. और रिजर्व्स एंड सरप्लस टारगेट बैंक का देखो कितना है. टारगेट बैंक का जो अभी तक अपन ने ऐड नहीं किया कितना? 170.
तो 7-0। और अभी अच्छे से देखो वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं उसका रिजर्व एंड सरप्लस 70 है, और अभी आपने पेड अप कैपिटल जो पहले था 500 था और अभी उसमें 517 हो गया। अपने को एक चीज तो उस दिन से पता था ना, ओवरऑल कुछ भी हो जाए क्या होना चाहिए, टोटल नेटवर्थ सेम होना चाहिए। मतलब ये तीनों मिलके, मैं सिर्फ इधर लिख रहा हूँ, ये तीनों मिलके उतना ही होना चाहिए जो पहले दोनों बैंक का मिलके होता था। अभी दोनों बैंक का मैं प्लेन मर्ज कर दूँ, अपने रेफरेंस के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोनों बैंक का जरा प्लेन मर्ज कर दो पब्लिक, क्या हो जाएगा, दोनों का रिजर्व एंड सरप्लस ये जरा ऐड करो पब्लिक, 6000 प्लस 6000 प्लस 210, 6210, उसमें से पेड अप कैपिटल में पब्लिक 517.50 चलेगा, बाकी का रिजर्व एंड सरप्लस में बचा कितना, बचा कितना अमाउंट बोलो मेरे को, हाँ 192.5 बच रहा है आपका, वो 192.5 जाना चाहिए किधर, कैपिटल रिजर्व में। वो जो चेंज हुआ है वो चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज दैट इज नॉट रेवेन्यू रिजर्व, इसके लिए। सो हुआ क्या, आपका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स तो मर्ज कंपनी का वही रहेगा, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है बिकॉज ऑफ अक्वायरिंग द टारगेट ऑल दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। अब इससे अगर मैं मर्ज, यहाँ पे बोला नहीं क्वेश्चन में, बट मर्ज एंटिटी का बुक वैल्यू पर शेयर निकालने बोलूँ तो कितना रहेगा, जो पहले का बुक वैल्यू था वही रहेगा, क्योंकि ये सब तीनों तीन चीज क्या चीज का हिस्सा है पब्लिक, ये तीनों तीन चीज क्या चीज का हिस्सा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नेटवर्थ और बुक वैल्यू। तो टोटल आप देखोगे तो बुक वैल्यू उतना ही है जो पहले दोनों का मिलके था, 6000 प्लस 210, बट जो भी चेंजेस आ रहा है शेयर कैपिटल में या रिजर्व एंड सरप्लस में, जो एक्स्ट्रा चीज आ रहा है टारगेट का, वो सब एडजस्ट हो जाएगा किधर, कैपिटल रिजर्व। सो द ओनली चेंजेस दैट वुड हैपन इज इन द शेयर होल्डर फंड आफ्टर द मर्जर, अदर एवरीथिंग जस्ट कंसोलिडेट्स। अब यहाँ पे आपका सम पूरा हो गया, लेकिन लेकिन आप पूरा एंड टू एंड सम तो करोगे, लेकिन दो चीजें, पब्लिक को ग्रॉस एनपीए का फॉर्मूला याद नहीं रहता है और कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा सम को अच्छे से जानना जरूरी है। ग्रॉस एनपीए क्या, जितना आप एडवांसेस दोगे उसका कितना एनपीए है, दैट इज ग्रॉस एनपीए परसेंटेज। अब आपको बैलेंस शीट से क्या मिलेगा, ग्रॉस एनपीए का फिगर नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट से एडवांसेस मिलेगा और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में दिया रहेगा, उधर से आपको अमाउंट मिलेगा दोनों का इंडिविजुअल, वो ऐड करो एडवांसेस पे, देखो मर्ज बैंक का कितना हो रहा है। पब्लिक व्हेनेवर अ गुड बैंक मर्जेस विद अ बैड बैंक द एनपीए इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन आई कंपेयर विद द मर्ज बैंक और विद द अक्वायरिंग बैंक, बट टारगेट का एनपीए कम हो जाएगा। सेम विद सीआर रेशो में क्या हो जाएगा, सीआर रेशो मतलब मेरे को बैलेंस शीट से क्या मिलने वाला है, रिस्की वेटेड एसेट नहीं मिलेगा मेरे को बैलेंस शीट से, क्या मिलेगा उधर से, टोटल कैपिटल मिलेगा और मेरे को उन्होंने सीआर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उधर से मेरे को रिस्की वेटेड एसेट दोनों का मिलेगा, वहां से मेरे को रिस्की वेटेड एसेट, बेसिकली आपको कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो क्या बोलता है, जितना रिस्की वेटेड एसेट उसका कितना कैपिटल है, उधर से दोनों का मर्ज वाला मिलेगा एंड देन आई विल कम अप विद द कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो ऑफ द मर्ज बैंक। क्या हो जाएगा सर, बेटर बैंक जो है अच्छा वाला बैंक उसका ज्यादा रहेगा बट मर्जर के बाद कम हो जाएगा। अब हुआ क्या था वो मैं बता रहा हूँ, इफ यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम, ये सम इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट क्यों कर रहा है वो मैं उस चीज पे आ रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा है फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो पिछले बहुत सालों में इकोनॉमी में चल रहा है एवरीवन। सो 2006 की बात है, 2006-07 की बात है, इंडियन इकोनॉमी बूम कर रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ते जा रहा था, एवरीवन इन द क्लास पब्लिक ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रहा है, मतलब समझो आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है रातों रात, क्या करूंगा अगर मेरा इधर बैच फुल अप हो रहा है, इधर 100-100 जन बच्चे भर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा क्लास लूंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिजनेस आपका बढ़ रहा है तो आप क्या करते हो, केपेक्स करते हो, हैवी केपेक्स। अब बहुत सारी इंडस्ट्री पकड़ लो, माइनिंग हो गया या टेलीकॉम हो गया या शिपिंग हो गया या ये एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, उनको पता है बहुत सारे पैसेंजर्स फ्लाई हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज एट बूम, ग्लोबली मार्केट सब ऊपर है, यूएस इकोनॉमी भी ऊपर है, हाउसिंग बबल है, सब चल रहा है, सबका भाव बढ़ रहा है, ये बिल्डर वाले क्या करेंगे, दुनिया भर का बिल्डिंग खड़ा करके रख देंगे राइट, बहुत सारा इन्वेंट्री तैयार करेंगे, केपेक्स करेंगे। शिपिंग इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, बहुत सारा शिप बनाना चालू करा देंगे, ऑर्डर दे देंगे। एयरलाइन वाले क्या करेंगे, बहुत सारे प्लेन का ऑर्डर दे देंगे। अब ये सब कर तो लेते हो, उसी टाइम पे तुरंत थोड़ी ना आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है ये सब बनाने को। सो अज्यूमिंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश, ऑल दिस हैवी केपेक्स कंपनीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
फिर कंस्ट्रक्शन हो या ये शिपिंग हो या ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है एयरलाइन इंडस्ट्री हो, दे स्टार्टेड डूइंग ह्यूज केपेक्स। देन केम 2007 का ग्लोबल रिसेशन, और ग्लोबल रिसेशन में पूरी इकोनॉमी की हालत खराब, सिर्फ इंडियन नहीं सबकी हालत खराब। अब आपने तो ऑर्डर दे दिया था, ये स्पाइस जेट और जेट और एयर इंडिया ने मतलब 10 10 15 15 भी नहीं 50 50 100 100 प्लेन का ऑर्डर देके रखा था, उसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी था 2010 12 के आसपास। अब डिलीवरी तो आ जाएगा, माल तो आ जाएगा, लेकिन पेमेंट कहाँ से दूँ, धंधा तो हो नहीं रहा है। सो अभी मैंने तो बैंक के लिए लोन लिया था इधर से, तब अभी उस टाइम पे 2011 12 के आसपास बहुत बड़ा डिफॉल्ट स्टैंडिंग था। अब तब तब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अबे अभी तुम इतना सारा डिफॉल्ट करोगे, अभी हम लोग इलेक्शन में जाके क्या बोलेंगे, इतनी सारी बैंक डूब रही है। सो अभी एक काम करो, तुम लोग डिफॉल्ट मत हो, मैं तुमको एक और लोन देता हूं। क्या चीज के लिए? रिस्ट्रक्चरिंग, रिफाइनेंसिंग। आपने नाम सुना है क्या, रिस्ट्रक्चरिंग रिफाइनेंसिंग? वो क्या है, पुराना लोन नहीं पे कर पा रहे हो, इसके लिए नया लोन लो। सो कंपनीज आर ऑलरेडी इन अ स्ट्रेस, आई एम टॉकिंग 2010 और 12 के बीच में। नाउ दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, सो मेनी कंपनीज वर लाइक वी आर नॉट एबल टू पे आर लोन्स, आर बिजनेस इज नॉट दैट इंक्रीजिंग, वी डन ऑलरेडी यूज केपेक्स, सब प्रोजेक्ट अटके पड़े। तो मैं और लोन दे रहा हूँ, डिफॉल्ट मत हो रहा। बैंक स्टार्टेड गिविंग लोन्स, लोन्स पुराना नहीं दे पा रहे थे, नया दिया विद द एक्सपेक्टेशन कि और एक दो साल में इकोनॉमी रिवाइंड हो जाएगा। इकोनॉमी तो रिवाइंड हुआ नहीं। अब ग्रेजुअली क्या हो गया, आपका लोन पाइलअप हो गया, पुराना लोन उस पर इंटरेस्ट, नया लोन यू आर नॉट एबल टू पे। दिस इज हाउ द इकोनॉमी केम अप टू, अभी जब नया सरकार आया तो नया सरकार ने देखा क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, और पता चला रहे लोन तो पिछले 10 साल में डबल हो गए, लेकिन धंधे तो नहीं बढ़ रहे, ना जॉब बढ़ रहे, तो क्या चीज के लिए लोन है? तो भाई ये पुराना नहीं पे कर पाए थे, उसको बचाने के लिए, ताकि वो एनपीए ना कैटेगराइज हो, उसको नया लोन दिया है। अब कंपनीज बोल रहे सर हमारे पास पुराना, नया तो दूर की बात है, पुराना लोन पे करने का भी पैसा नहीं है, इंटरेस्ट भरने का भी पैसा नहीं। या तो इकोनॉमी बूम करे, या तो आप इंटरेस्ट रेट कम करो, या तो हमारा लोन डिफॉल्ट होने वाला है। अब जब डिफॉल्ट होना शुरू हुआ, कुछ लोग भाग गए कि हमारा हमारा पत्ता कटेगा, बाकी के लोग जो करने की कोशिश कर रहे थे विद इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, कुछ लोग सर्वाइव कर गए, लाइक बिग कंपनीज लाइक भारतीय एयरटेल एंड ऑल, दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग बट दे आर मैनेजिंग समहाउ। बट मेनी स्मॉल प्लेयर्स हु कुडंट अफोर्ड दिस थिंग एंड मेनी इंडस्ट्रीज विच नेवर टर्न्ड अराउंड कंप्लीटली लॉस्ट इट। नाउ टू थिंग्स हैपन, अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री स्टार्टेड हैपनिंग, कंपनीज इधर स्टार्टेड डिफॉल्टिंग और डूइंग एमएनए। इवन यू सी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, आई अंडरस्टैंड जियो का तो कंपटीशन आया ही, बट दे ऑलरेडी हैव ह्यूज लोन्स इन दर बुक। नाउ दे डोंट हैव अ चॉइस, दे कैन ईदर शट डाउन द कंपनी और मर्ज, दैट्स द ओनली ऑप्शन दे हैव। सो क्यों टाटा ने अपना बिजनेस बेच दिया एयरटेल को, क्या भाव पे बेचा पता? टाटा टेलीकॉम ने उसका एनटीटी डोकोमो के साथ टाइप था, वो तो ब्रेकअप हो गया। टाटा ने, इफ यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टाटा ने टाटा टेलीकॉम भारतीय एयरटेल को क्या भाव पे बेचा पता? क्या भाव पे? जीरो, फोकट में लेकर जा। आप बोलोगे पागल है क्या, अरे ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी, इतना सारा हैवी केपेक्स, इतना सारा टावर का खर्चा कौन देगा? अब टाटा के पास दो ऑप्शन था, या तो बंद कर दो या तो अपना कंपनी दे दो, जैसे का जैसा कंपनी। सो एयरटेल ने क्या बोला, देख तेरा चॉइस है, तेरे को देना है तो दे दे। टाटा ने बोला मैं बंद कर दूंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं आई एम नॉट नोन फॉर शटिंग डाउन माई कंपनीज, व्हाट अबाउट माई एम्प्लॉयज एंड ऑल। सो भारतीय एयरटेल को बोला वी डोंट नीड एनी मनी, टेक दिस एंटायर कंपनी और उस पर जो भी केपेक्स वेपेक्स है यू नाउ मैनेज। इनफैक्ट टाटा वेंट टू एन एक्सटेंड कि इसके ऊपर जो लायबिलिटी है लोन वोन का आई विल मैनेज इट। सो भारतीय एयरटेल वर्चुअली गॉट टाटा का ऑपरेशन एट फ्री। नाउ यू मे बी हैप्पी दैट वाओ भारतीय एयरटेल के लिए एडवांटेज है, अरे सर उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोन है, अब ये टेलीकॉम का बिजनेस चलाना कोई खाने का काम नहीं है, इतना सारा टावर वावर का बिजनेस, सर्विस सेंटर्स एंड ऑल ऑपरेट करना, यूजर्स को सर्विस देना इज वेरी कॉस्टली, स्पेशली इन द केस जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU बहुत कम हो गया है कॉम्पिटिशन की वजह से। सो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन था बंद कर दो या किसी बड़े प्लेयर को भेज दो, अब वो रिलायंस को तो देने से रहा, सो इसीलिए भारतीय एयरटेल को भेज दिया। बाकी जो वोडाफोन आइडिया थे जो मर्ज हो गए, मैं बोलता हूँ ना महागठबंधन, वो SP BSP वाला मर्जर है उनका, किसके अगेंस्ट? दो बड़ी पार्टी कौन सी है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स अ थ्री वे वॉर नाउ, भारतीय एयरटेल
रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड द अदर गठबंधन, छोटे छोटे सरकार, वोडाफोन आइडिया, और जो उससे जो छोटी छोटी पार्टीज है, छोटी छोटी पार्टीज, टेलीनॉर, वो जो यूनिनॉर था, लूप, बीपीएल, वो सबका गेम ओवर। मतलब कौन सा पार्टी, मनसे, शिवसेना, ये वाला लोकल पार्टी, वो लोकल पार्टी, अभी इतना बड़ा जब कंपटीशन चल रहा है बड़े बड़े प्लेयर्स में, तो छोटे छोटे पार्टी का तो अलर्ट टाइट हो जाएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब आप बैट लगाओ कौन सर्वाइव करेगा। अब नंबर वन पे कौन है, सबसे ज्यादा वोट शेयर किसके पास आने वाला है पता है, एसपी बीएसपी, वोडाफोन आइडिया के पास सबसे ज्यादा यूजर, 400 मिलियन प्लस यूजर। अब भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअली दो बड़े कंपिटिटर्स तो वही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब ये देखने का है कि इन दोनों का क्या होता है। वोडाफोन आइडिया, दे थॉट दैट नाउ वील हैव टू फाइट बोथ ऑफ देम, इंडिपेंडेंट इज बेटर, हेंस दे मर्ज इवन इफ दे डिड नॉट प्रॉब्ली वॉन्टेड टू। ऐसा है, दैट इज वॉट द टेलीकॉम सेक्टर इज। अब मैं आता हूं अपने सम पे। अब पब्लिक, ये इतना सारा 10 लाख करोड़ का लोन, ये टेलीकॉम सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, पावर कंपनीज हो, इतना सारा लोन नहीं पे कर पा रही है, एनपीए में क्लब हो रहा है। अब एनपीए फूटना बाहर चालू हुआ, तो बेसिकली ये एनपीए अभी नहीं हुए, ये पुराने लोन और उस पे लोन, अब एनपीए बाहर निकल रहे। अब एनपीए बाहर निकलना स्टार्ट हुआ तो भाई पत्ता किसका कटेगा, जिन्होंने लोन दिया, बैंक्स। अब आ रहा है एक एक करके बैंक्स बाहर, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, ये सबसे पता चल रहा है इधर से सब गया है एनपीए। क्यों 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 भाई, इनके सारे चेयरमैन सब देखो, इट्स अ वी नो द आर सिस्टम। आप पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन लेने जाओ अभी भी पहचान वहचान पहले लगता है। आप जब अपना CMA रिपोर्ट बनाते हो लोन के लिए, आपको क्या लगता है, आप एज अ CMA रिपोर्ट बनाओ, पब्लिक CMA रिपोर्ट बनाओ, आपको क्या लगता है आपके CMA रिपोर्ट की वजह से उसका CC पास हुआ? वो तो सब डील हो गया था पहले, आपको फॉर्मेलिटी के लिए बनाना पड़ा, वो बाद में बात हो गया था तुम्हारे पार्टनर के बीच में और बैंक के बीच में, क्या मिलेगा, कौन सा कार मिलेगा, ये सब यही चलता है। आई नो फ्रेंड ऑफ माइंड जिसको CC पास करवाने का BMW मिला था उसके बैंक के हेड को, ऐसा सब चलते रहता है इंडिया में, तुम टेंशन मत लो। तो CC ऐसे थोड़ी पास होता है, तुमने डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट किया इसकी वजह से। मैं बताऊंगा, मैं मुद्रा लोन लेने गया था, प्रधानमंत्री ने तो अच्छा लोन निकाला है मुद्रा लोन, मेरे को कितनी बार बैंक ने भगाया, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे 8 डॉक्यूमेंट लिखा है और बैंक ने मेरे पास 40 डॉक्यूमेंट 2 महीना भगाया। और मैंने बोला मुद्रा लोन आम आदमी के लिए है, और मैं तो चलो मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मेरी वाइफ चार्टर्ड है, मेरा मामा चार्टर्ड है, मेरे पास तो इतना सब डॉक्यूमेंट्स, आप जो डॉक्यूमेंट बोलो सब दूंगा मैं। लेकिन मैं बोला मुद्रा लोन किसके लिए, वो दर्जी के लिए, वो नाई के लिए, ये जो छोटे छोटे लेवल के लोग हैं, आर्टिजन पीजेंट्स, उनके लिए, वो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देगा? और अब उसको एक डॉक्यूमेंट मांगोगे उसके पास नहीं रहेगा, मेरे को बोले GST नंबर दो, मैं बोला GST नंबर नहीं है तो तेरे नहीं मिलेगा लोन। मैं बोला किधर लिखा है बताओ, मैं बोला एज पर MSME एक 2006 बताओ किधर लिखा है, तो बोला तू कौन होता है हमको पूछने वाला, ना ये ना वो। दिस इज आवर बैंक स्ट्रीट इन अ मेट्रो, दिस इज आवर बैंक स्ट्रीट इन अ मेट्रो। आई रिमेंबर द डे सिंस आई वेयर चप्पल्स एंड आई मूव एवरीवेयर, सो आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर बैंक, अ प्राइवेट बैंक, अ वेरी वेल नोन बैंक, एंड आई आस्क देम दैट आई वांट टू ओपन अप अ करंट, आई वांट टू ओपन अप एन अकाउंट। व्हेन यू से बैंक्स अकाउंट ना, इफ देयर इट्स अ सेविंग अकाउंट दे आर लेस इंटरेस्टेड, इफ इट्स अ करंट अकाउंट दे आर वेरी कीन। सो आई जस्ट से दैट आई वांट टू ओपन अप एन अकाउंट, सो आई सेड अच्छा क्या करते हो, मैं बोला मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ, सो दे सेड दैट किधर रहते हो, मैंने बोला इधर ही बोरेली में रहता हूँ, तो ना डॉक्यूमेंट्स, तो बोला घर का रजिस्ट्रेशन वगैरह, मैं बोला घर तो मेरा खुद का नहीं रेंट का है, तो हम लोग रेंट वालों को नहीं देते जाओ। दिस इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल बैंक, प्राइवेट बैंक। मैं बोला रेंट पे नहीं, रेंट पे जो रहते हो उनको नहीं देते हो, रेंट पे जो रहते हो नहीं देते हो, तो बोला नहीं देते जाओ। दिस इज वॉट हैपन, एंड वेन आई सेंड माई स्टाफ दैट आई वॉन्ट ओपन अप अ करंट अकाउंट, द सेम पर्सन टेल्स माई स्टाफ वेन कैन वी कम एंड विजिट योर ऑफिस, करंट अकाउंट ना, उसको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं भरना है ना, उसको पता चला बिजनेस वाला है। सो द सेम पर्सन टेल्स माई स्टाफ कभी आए हम लोग करंट अकाउंट ओपन करने, सर का अपॉइंटमेंट कभी, मैं बोला सॉरी आई ओपन अप विद अनदर बैंक, बदला लेना था ना अपने को। बट दिस इज हाउ बैंक स्ट्रीट आम आदमी, एंड आई एम टॉकिंग इन मेट्रो लाइक मुंबई, जस्ट इमेजिन द Tier 2, Tier 3 सिटीज। नाउ एनीवे कमिंग टू आवर पॉइंट, ये जो बैंक्स है उसमें आप अगर
2 लाख 3 लाख का लोन लेने जाओ, बैंक आपको लाइन में लगाएगा, उधर बाहर फेंक देगा इवन दो यू आर अ कस्टमर। बट अगर आप बैंक में जाओ अच्छा खासा गाड़ी वाड़ी लेके, ब्लेजर वेजर पहन के, इंग्लिश विंग्लिश एक्सेंट मार के, और आजू बाजू दो सिक्योरिटी मार के, और बैंक बोला मेरे को लोन चाहिए 10,000 करोड़ का, बैंक बोलेगा अरे कभी आओ। ऐसा है इंडिया में। अब जब ये बड़े बड़े लोग इतना बड़ा लोन लेते हैं और भरते नहीं, अरे सर टेंशन मत लो, हम लोग रीफाइनेंसिंग करते हैं ना, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ना, नया नया वर्ड है मार्केट में, और तुम एक ईएमआई बंद कर दो, तुम्हारे घर पे ताला लग जाए। ये इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है बैंक का, वो बैंक का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मतलब उसके लिए ना ये इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम विच नॉट अ सिंगल पर्सन कैन चेंज ओवरनाइट, हूसोएवर इट्स गवर्नमेंट इट इज। द प्रॉब्लम इज विद द रिक्रूटमेंट, द पीपल यू रिक्रूटेड इन अ मैनर इज एन इशू। इट्स द सेम वेयर एवरीवेयर। इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी है, आप एक बंदा तो हिला ही नहीं सकता है, कितना भी सीसीटीवी रख लो, कुछ भी कर लो। ये इनका ना पूरा मेहनत निकला था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, रात रात भर काम करना पड़ा ना इनको, इनकी हालत टाइट हो गई। ये सब भाई वोट नहीं देने वाले उनको कि तुमने बहुत काम कराया हमारे पास, समझ रहे हो क्या? ऐसा कि इन्होंने बैंक ने कमाया, मैं ना नहीं बोल रहा, जिसने भी कमाया, देखो बहुत सीए लोग ने भी कमाया, बैंक एम्प्लॉयज ने भी कमाया, ऐसे थोड़ी डिमोनेटाइजेशन के बाद, ऐसे थोड़ी डिमोनेटाइजेशन के बाद अरुण जेटली, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, नरेंद्र मोदी आके तुमको बोले यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बी वेयर, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। व्हाई? जब डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सब ये लास्ट मोमेंट के जो एडजस्टमेंट है सब किसने किए, सब अपना छुट्टी छोड़ छोड़ के आ गए। वरना क्यों है इतना पूरा मिनिस्ट्री, क्यों इतना सारा बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स यू बी अवेयर? इतना सीए के बारे में कोई बोला है क्या किसी ने? इनको कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्योंकि दे सॉ व्हाट हैपेंड, दे सॉ व्हाट हैपेंड। एंड एनीवेज, चलो वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर द ब्लास्ट हैज हैपेंड एंड ऑल। आई जस्ट रेड एन आर्टिकल व्हाट द सोल्जर सेड, ही सेड कोई देशभक्ति मत बताओ, कोई कैंडल लाइट मत करो, प्लीज प्ले पे रेगुलर टैक्सेस, यू पेइंग रेगुलर टैक्सेस हेल्प्स अस, वी गेट गुड इक्विपमेंट्स, गुड क्लोथ्स, वी गेट प्रॉपर एम्यूनेशंस, वी गेट मोर पावर टू फाइट बैक। कोई देशभक्ति मत बताओ चलेगा, सिर्फ टैक्स इज्जत से पे करो। एंड आई डोंट वॉन्ट टू करेज योर कम्युनिटी एंड ऑल, बट सी वेरी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी आर सी ए फ्रेटर्निटी, बट यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो, नो करप्शन इज पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लॉयर, वी ऑल नो। एंड नाउ वी कैन ऑल जस्टिफाई इट बाई सेइंग दैट नहीं यार ये तो प्रोफेशन है हमको जो, वो लॉयर्स लोग भी यही बोलते हैं। वो जब अजमल कसाब का केस ले रहा था, वो ये सब जो केस लेते पब्लिक बोलते अरे कैसा लॉयर है केस ले रहा है उसका, वो भी वही बोलते हमारा प्रोफेशन है लेना तो पड़ेगा, केस तो केस है। सो यू नो द लाइन बिटवीन एथिक्स एंड लीगली राइट इज वेरी ब्लर दीज डेज, सो दैट्स व्हाट इट इज। एनीवे कमिंग टू आवर अगेन द कॉन्सेप्ट, बैंक स्टार्टेड फेसिंग ह्यूज एनपीए रिस्क एंड दिस इज व्हाट आरबीआई रियलाइज्ड। नाउ आरबीआई सेड दैट ये सब जो छोटा मोटा बैंक है बंद करो, तुम्हारा बहुत एनपीए बढ़ रहा है। तब आरबीआई ने स्टार्ट किया कि आज तब आरबीआई ने एक एक करके एक्शन लेना स्टार्ट किया। अब एक्चुअली एक्शन में आपको मेरा व्यू बता रहा हूँ, आपका व्यू अलग हो सकता है। अब जब पता चला, मैं आई एम नॉट बायस टुवर्ड्स एनी गवर्नमेंट, आई लाइक ऑल द पॉलिटिशियंस एंड एज आई मेंशन माई गुरु इज शरद पवार, बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल पॉलिटिशियंस, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट एक क्लास का सीआर बनने में भी ना बहुत मेहनत चाहिए, और एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ने से लेके लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए पब्लिक से वोट मांगना, जिसको मतलब ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉई ऑफ योर्स एंड ऑल, मतलब बिना पैसे का लोग को पहले कन्विंस करना मेरे लिए वोट करो और फिर उसको वोट देना, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर अ पॉलिटिशियन। और देश का प्रधानमंत्री बनना या देश का ऑपोजिशन पार्टी का लीडर बनना, मेरे हिसाब से जो एक पॉलिटिशियन है उसको आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बिकॉज ही इज अचीव्ड दैट मच ऑफ, यू हेट हिम यू लाइक हिम बट पीपल वोट देम। अपने को तो अभी क्लास का मैं सीआर खड़ा रहा तो मेरे को पता नहीं 10 वोट भी मिलेंगे कि नहीं। सो इतना मेरे मैं आई रिस्पेक्ट देम, सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द पॉलिटिकल स्टफ एंड ऑल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट वॉट हैपन दैट वेन दिस न्यू गवर्नमेंट केम दे रियलाइज इट्स अ बिग एनपीए मेस एंड देन दे आस्क दिस गवर्नर दैट व्हाट हैव यू डन फॉर इट, तुम्हारे नाक के नीचे ये सब एनपीए हुआ तो तुमने एक्शन क्या लिया? दैट्स वेयर द
repercussions started. I know you all have understood which governor I'm talking. एंड दैट गवर्नर का नसीब ये खराब था कि वो आया किसी और के सरकार में और जवाब किसी और सरकार को देना पड़ा. वो फंस गया दो सरकार के बीच में. ही रियलाइज दैट नो आई डोंट वांट टू मेस अप विद दिस, आई एम गोइंग बैक. एंड ही लेफ्ट द जॉब. नाउ दिस न्यू गवर्नमेंट हैड एन ऑप्शन कि मैं ये एनपीए दबा दूँ और या इसको खोल दूँ. अब नाउ व्हेन दे स्टार्टेड ओपनिंग द एनपीए, दे रियलाइज इट्स अ बिग मेस. नाउ व्हाट शुड द बैंक्स बी डन अबाउट दिस. ये बहुत सारी छोटी छोटी बैंक्स हैं, उनका करे क्या. तब ये जब जो छोटी छोटी बैंक्स थी उनको बोला गया, भाई एक काम करो, ये जो बाकी की बैंक्स है ना उसका गेम बंद करो. क्या अपन इंडिया में अभी बैंक्स बंद कर सकते हैं क्या? अपन पब्लिक इंडिया में बैंक्स बंद कर सकते हैं क्या? अपन पब्लिक रास्ते पे आ जाएगा, मारामारी कर देगा बैंक बंद हो जाए. इट बिकम्स अ बिग इशू. एंड दैट्स वेयर आरबीआई टोल्ड वन बैंक एसबीआई मर्ज्ड, जो जितनी नेशनलाइज बैंक है ना उसमें से जिनका एनपीए बहुत ज्यादा उसको मर्ज कर लो. अब आरबीआई ने क्या किया रहेगा? नहीं नहीं तो 29-30 एनपीएज है, एनपीए वाला बैंक था जिसमें सब्सटेंशियली एनपीए ज्यादा था. सो आरबीआई ने बोला रहेगा एसबीआई को, एक काम कर, तू जो बैंक उठाना चाहता है लेकर आ जा, बट इंश्योर वो बैंक का लॉस तू ले, एनपीए ले और तू एडजस्ट करे अपने साथ. तो उसका एनपीए इंडस्ट्री से कम होना चाहिए और सीआर बेटर होना चाहिए. सो एसबीआई ने क्या कर दिया, 6 बैंक्स को मर्ज किया और इंक्लूडिंग एक भारतीय महिला बैंक जो चिदंबरम ने स्टार्ट किया था. अब ये 6 बैंक जो थी, बैंक ऑफ राजस्थान, बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और ये सब, ये इन लोग को क्यों मर्ज किया एसबीआई ने? क्यों? क्योंकि अभी आप सब में ध्यान दो, क्योंकि इनको मर्ज करने पे क्या हुआ रहेगा, इनको मर्ज करने पे जो सीएआर और एसएल, जो सीएआर रेशियो और ग्रॉस एनपीए है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर रहा रहेगा. तो एसबीआई ने कोई टॉस नहीं किया कि चलो जो चीट निकले उसको मर्ज करो. नहीं नहीं नहीं, एसबीआई ने पहले प्रपोजल अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया रहेगा और देखा रहेगा. मतलब बाकी की बैंक को क्यों नहीं लिया रहेगा पता? उसको लेने पे एसबीआई का शायद रेशियोस डिटीरियोरेट होता, इसके लिए 6 बैंक उसको चिपका दिया. अब बाकी के बैंक किसको चिपकाए सर? बाकी के बैंक जरा देखो, बाकी के बैंक गवर्नमेंट को भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा. बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजया बैंक को मर्ज कर डाला अभी रिसेंटली. और ये आईडीबीआई बैंक को एलआईसी को बोला, जो बड़ा भाई है, भाई ये ले लो आईडीबीआई को, खत्म करो. तो आईडीबीआई वॉज मर्ज विद एलआईसी. एलआईसी को बोलो 15% स्टेक ले ले. इसको बोलते हैं साफ सफाई, झाड़ू मारना. क्या करें, ऐसा करना पड़े. ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम. ऐसे करके गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है एक चीज. अब एक चीज समझो, गवर्नमेंट को और भी कुछ एक्शन लेना पड़े. क्या एक्शन लेना पड़े? पब्लिक क्या बोला मैंने, सीआर रेशो क्या है? सीआर रेशो क्या, बेसल नॉर्म के हिसाब से 8% 9%. आरबीआई ने क्या बोला, 12% रखो, एवरेज 10% समझो. इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट आया है, मेरी बात अच्छे से सुनना, आपके पास पब्लिक का 100 करोड़ का डिपॉजिट है, आप ये 100 का 100 करोड़ लोन दे सकते हो क्या? तभी ही दे सकते हो जब उसमें 10% एवरेज समझ लो, अपना खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूट करो. मतलब 100 करोड़ खुद इन्वेस्ट करना पड़े, इक्विटी फंडिंग करना पड़े. पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट को पहले 100 करोड़ डालना पड़ेगा खुद का इक्विटी फंडिंग, तब जाके वो जो 1000 करोड़ पब्लिक का आया है डिपॉजिट वो लोन दे पाएगा, नहीं तो उसमें मीटर चालू रहेगा. एवरीवन. तो अब बैंक्स डिमांड करने लग गई, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारा डिपॉजिट आ गया है, अब उसमें हमको इंटरेस्ट तो देना है लेकिन हम लोग लोन नहीं दे पा रहे. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा. तब गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन के बाद तुरंत गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, आप बता सकते हो, गवर्नमेंट ने कुछ चीज किया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन. गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस किया. रिकैपिटलाइजेशन मैंने इधर रखा हुआ है, किधर है तो भी, रिकैपिटलाइजेशन मतलब क्या, गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन मतलब क्या किया पब्लिक, गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया कैपिटल तकरीबन 2 लाख करोड़ का, ये लेटेस्ट वाला 10.3%. गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, कितना कैपिटल इन्फ्यूज किया मैं आपको बता देता हूं, 2,10,00,000, 2.10 लाख करोड़. इससे क्या होता है, अब आपको सम के थ्रू पता चलेगा, 2,10,00,000 का कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा मतलब सीआर कितना परसेंट बोला मैंने, एवरेज 10% रखो,
मतलब 2,10,000 करोड़ इन्फ्यूज किया पब्लिक, इससे क्या हो जाएगा? इससे दिस इज 10% ऑफ रिस्की वेटेड एसेट. हाउ मच इज 100%? 21 लाख करोड़. 100% 21 लाख करोड़ ना, उतना पैसा रिलीज हो गया इकोनॉमी में लोन देने के लिए. समझे क्या? इसको बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन. गवर्नमेंट ने जब पैसा रिलीज किया 2 लाख करोड़, विच इज 10% भी अज्यूम कर लो तो 20 लाख करोड़ रुपया रिलीज हुआ इकोनॉमी में लोन देने के लिए. अब गवर्नमेंट ये फंडिंग करता ही नहीं, तो गवर्नमेंट ये फंडिंग करता ही नहीं तो आता ही नहीं अपने पास. अब गवर्नमेंट ने ये सब एक्शन लिए. क्या क्या एक्शन लिया? कुछ बैंक्स को मर्ज करवाया, कुछ बैंक्स को मर्ज करवाया. बाकी क्या करवाया पब्लिक? बाकी के बैंक्स को, कुछ बैंक्स को मर्ज करवाया. ये सब को मैंने बोला SBI वगैरह का, जो अभी आपने देखा प्रपोजल, ऐसा कि ग्रॉस NPA इंडस्ट्री से ज़्यादा ना हो और CR रेशो भी बेटर हो. और जहाँ पे कम पड़ा कैपिटल, गवर्नमेंट ने खुद रिकैपिटलाइजेशन किया. मैच आई वॉन्ट टू पुट अप इफ दैट आई गेट द रिसेंट आर्टिकल समवेयर. ओके, रीसेंट आर्टिकल मैं अगर ऐड करूं, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट बैंक रिकैपिटलाइजेशन. सो अरुण जेटली ने अनाउंस किया था वहां पे एटलीस्ट 3.6 लाख करोड़ मोर कैपिटल देन इट नीड्स गवर्नमेंट. 641,000 अभी ये रीसेंट वाला, अभी जो दिसंबर में गवर्नमेंट ने और 41,000 रिलीज किया. नाउ 41,000 करोड़ रिलीज किया मतलब 41,000 करोड़ का रिकैपिटलाइज किया मतलब तकरीबन 4 लाख करोड़ इकोनॉमी में और लोन देने के लिए रिलीज हो गया. लिखा है गवर्नमेंट 641,000 करोड़ मोर फॉर बैंक्स एवरीवन. सो वहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट हैड बजटेड 65,000, उसमें से 44,000 दे दिया. द रिकग्निशन ऑफ NPA प्रोसेस 2015 का दिया है. आगे मैं पढ़ू कहीं पे कुछ दिया उन्होंने. हाँ ये देखो, रिकैपिटलाइजेशन प्लान ऑफ कितना था? 2.11 ट्रिलियन. टोटल 2 लाख करोड़ इकोनॉमी में रिलीज करना था. इसको क्या बोलते हैं पब्लिक? रिकैपिटलाइजेशन. क्यों किया रिकैपिटलाइजेशन? ताकि लोन दे पाए. क्यों लोन दे पाए? क्योंकि पब्लिक का बहुत सारा डिपॉजिट आ गया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. So, अब ये इकोनॉमी में रिलीज होगा, पब्लिक को लोन मिलेगा. पब्लिक इसमें से बैंक्स को, बैंक्स लोन दे पाएगी, बैंक्स लोन कॉर्पोरेट को दे पाएगी, तो कॉर्पोरेट और केपेक्स कर पाएगा और इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा, और इन्वेस्टमेंट कर पाएगा तो इकोनॉमिक साइकिल चालू होगा, लोगों को जॉब मिलेगा. और अगर कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी तो जॉब कहां से मिलेगा? नाउ ऑल दिस थिंग्स आर देयर बट दे आर नॉट कन्विंसिंग टू आम आदमी. ही वोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. सो दे हैव स्टार्टेड मर्जिंग ऑफ द, दे हैव स्टार्टेड ऑल दिस प्रोसेस. अब मेरे को एक बात बोलो, वो जो ग्रॉस NPA है ना, ग्रॉस NPA उसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम्हारे इंडस्ट्री में जितना भी तुम्हारे को टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है उसको गवर्नमेंट मतलब बैंक्स ने रिकग्नाइज करना चाहिए कि उसको छुपाना चाहिए? रिकग्नाइज करना चाहिए. क्या रूल है रिकग्निशन का पता है? ग्रॉस NPA कब होता है? जब कितना दिन डिले हो जाए? 90 डेज. 90 डेज राइट. अब RBI ने नया रूल निकाला लास्ट ईयर, 1 डे NPA रिकग्निशन नॉर्म. एक दिन भी डिले हो जाए NPA में क्लब कर दो. गुड और बैड? इट्स अ गुड थिंग बट इट्स अ हैवी डोज. बैंक्स का हालत टाइट, सब बैंक कंप्लेन करने लग गए. उधर उरिजीत पटेल बोल रहा है कि अरे यार ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा. गवर्नमेंट ने बोला कर दो, आई वॉन्ट टू रियली सी वेदर थिंग्स आर कमिंग ऑन टाइम और नॉट. बट इधर उरिजीत पटेल और अरुण जेटली के बीच में क्लैश इस बात पे, और उरिजीत पटेल ने बोला भाई मेरे को नहीं चलेगा ये सब, क्योंकि बहुत सारा NPA वापस आ जाएगा दिखेगा. एंड प्रॉब्ली अरुण जेटली वॉन्टेड कि इट्स ओके, लेट मी सी हाउ मच इज द NPA, डोंट हाइड इट आउट. दैट मे बी द इंटेंशन, वी डोंट नो द रियलिटी व्हाट हैपेंड बिहाइंड द डोर्स. बट ड्यू टू दिस वन रूल विच उरिजीत पटेल वॉज नॉट ब्रिंगिंग अप एंड ही वॉज नॉट लोअरिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट सेड दैट ओके निकलो. यू डोंट वॉन्ट वर्क इन सिंक विद द गवर्नमेंट. आई रिस्पेक्ट द RBI's ऑटोनॉमी. यू डोंट वॉन्ट वर्क इन सिंक विद द गवर्नमेंट, यू लीव. आई हैव टू मेक अ वे, यू हैव टू मेक अ वे फॉर अ न्यू गवर्नर. एंड दैट्स वेयर शक्तिकांत दास कम्स इन टू द पिक्चर एंड इमीजिएटली रिड्यूसिस द इंटरेस्ट रेट्स एंड इम्प्लाइज दिस नॉर्म, 1 डे NPA रिकग्निशन नॉर्म. अब ये सब इंडस्ट्री में मतलब ये सबसे ज्यादा NPA कौन से सेक्टर का चल रहा है?
सबसे बड़ी 16 कंपनीज है जो एनसीएलटी के दरवाजे पे खड़ी है. एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो डिफॉल्ट के कगार पे खड़ी है, उसमें सबसे बड़ा एसआर स्टील है. स्टील माइनिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज डिफॉल्ट के कगार पे खड़ी है. उसमें एसआर स्टील का क्या केस चल रहा है, मैंने उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया है. यू ऑल एवर गेट टाइम देन द सी इंडियाज बिगेस्ट ऑक्शन बिडिंग ऑफ एसआर स्टील. उसमें बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व है. एसआर स्टील का क्या हालत हो रहा है, एनपीएस से मैंने पूरा कनेक्ट किया. यू विल गेट इट एवर यू गेट अ टाइम, जस्ट सी दैट, दैट्स फॉर योर यू नो नॉलेज. दिस पर्टिकुलर सम कैन कनेक्ट एवरीथिंग. सो ये सम से आपको पता चलेगा इंडिया का एनपीएस स्टेटस क्या है, इसकी वजह से बैंक्स को मर्जर करवा रहा है. अब आपको पता चलेगा एसबीआई ने वो 6 बैंक्स को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा सर, उससे 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 उसने वो 6 बैंक का कॉम्बिनेशन बना के देखा रहेगा कि भाई मेरा मर्जर के बाद एनपीए इंडस्ट्री से बेटर हो और सीआर इंडस्ट्री से बेटर हो. समझा क्या, बाकी सबको मर्जर करवा रहा है नॉल, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, बट जो है डिफॉल्ट होने वाला तो है ऐसा. नो वंडर दिस सम, दिस वन सम इंस्टीट्यूट हैज बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. माय व्यू वाज दैट कि इसको इसके आगे पीछे का पता हो तो मजा आए सम कर रहे हैं मैं भी. ठीक है, चलो ट्राई करो एंड टू एंड सम. और इफ यू गेट टाइम प्लीज व्हाइल यू ऑल आर ट्रैवलिंग एंड ऑल, जस्ट सी दैट वीडियो व्हिच आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल. सब्सक्राइब दैट एंड सी दैट चैनल, दैट वीडियो, इंडियाज बिगेस्ट ऑक्शन ऑफ एसआर स्टील. वो इसका जो अभी तक मैंने स्टोरी बोला ना, उसके आगे का स्टोरी है कि फिर एसआर स्टील में क्या हुआ, वो ये डिफॉल्ट हुआ तो एसआर स्टील का क्या चल रहा है. दैट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर, लेट मी टेल यू ऑल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज एज पर द न्यू नॉर्म्स एनसीएलटी बैंक्रप्सी कोड, एज पर द न्यू कोड इफ अ कंपनी इज बीइंग डिफॉल्टेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बीइंग यू नो पुट अप इन द कंपनी टू रीस्ट्रक्चर इट. सो इट्स अ न्यू बिजनेस कमिंग टू सीए इन टू फॉर्म्स. उसको आईपी क्या बोलता है, आईपी उसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. और दूसरा बहुत बड़ा एक सेक्टर ओपन अप हो गया है, बेस्ट सेक्टर और आगे जाके सुपर बूम है उसमें, दैट इज एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. उसमें इंडिया में नंबर 1 पे अभी एडलवाइस. सो वो आगे का जो स्टोरी है बैंक्रप्सी कोड और एआरसी और एसआर स्टील का क्या, उसके लिए कृपया संपर्क करें वीडियो को, मजा आएगा. ठीक है, चलो एंड टू एंड सम करो, फिर बाद में प्रेजेंटेशन वेजेंटेशन देख लेना मैंने कैसे किया हुआ. अभी ये जो निखिल ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक जरा ध्यान दो कि ये जो बैलेंस शीट है इसमें मैं सब ऐड कर दूं और वो लास्ट में ये सब ये रिस्ट्रक्चरिंग करने के बदले सिर्फ ये सबको पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों को कर दूं तो चलेगा या नहीं? डू यू थिंक इट्स अबाउट अमाउंट? इफ इट वाज अबाउट अमाउंट द शेयर होल्डर फंड आई देयर वाज नो एफर्ट, व्हाई वुड इंस्टीट्यूट आस्क मी टू जस्ट ऐड अप एवरीथिंग? दे वॉन्ट टू सी दिस. Now, in SFM, they are not testing your accounting skill. But what are they testing? That where would this extra money go? And kya discussion tha apna capital reserve kyun create kiya jata? Ki, nahin, wo to uska outcome hai ki usme se distribute nahin kar sakte. Ye capital reserve kyun create kiya jata? Kyunki ye wo paisa nahin hai jo aapko operating profit se aaya hai. Ye aapka core, I use that word. It's not a core profit. इट्स बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रिस्ट्रक्चरिंग, उसकी वजह से जो आया हुआ है वो उससे आप डिविडेंड नहीं बांटना क्योंकि वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं है. सो वो बैलेंस शीट बनाने का पूरा मकसद ही है. अब मैं आपको हिंट क्या दिया, वो मिलके वो नेटवर्क जितना ही होना चाहिए. सो जितना पेड अप कैपिटल में हुआ ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस अक्वायरर का ही रहेगा और जो भी टारगेट को खरीदने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा आया है वो सब एडजस्ट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व में. अब आप मेरे को बोलोगे सर शेयर होल्डर फंड उतना ही जितना पहले था उतना दोनों का ऐड करके, नेटवर्थ हमेशा उतना ही रहता है, इसके लिए वैल्यूएशन में अपने को फर्क इतना नहीं दिखता क्योंकि मर्ज होने के बाद दोनों कंपनी एक ही है.
बट स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसके लिए मैं बता रहा था ना मैडम, क्या बोल रहा था मैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस वहां पे भले आपको नेटवर्थ सेम ही है, बुक वैल्यू पर शेयर ढूंढने बोलते तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस जानना जरूरी। राइट एवरीवन, किया बैलेंस शीट बोल। हाँ हाँ उसमें से 517.5। हाँ हाँ सिर्फ शेयर कैपिटल वो अभी थोड़ी देखूंगा, अभी नए शेयर्स कितने हैं। हाँ बोल बोल। 210 क्या चीज का टोटल? हाँ तो 217 माइनस क्या बोला तू, सॉरी 210 माइनस 17.5 कर तो तेरे को आएगा 192.5 होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं, तो तेरा ये 210 का टोटल फंड था किसका, आर का, उसमें से शेयर कैपिटल में 17.5 गया, उसको जितना शेयर देगा उस पर डिपेंड करता है, उसको जितना शेयर देगा उस पर डिपेंड करता है, बचा हुआ सब अलग से रिजर्व है, क्योंकि उसका रिजर्व का पैसा जो आया है तेरे को वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, वो कैपिटल रिजर्व। मैं बोला ना टोटल मैच ही होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड सेम ही रहना चाहिए। सिनर्जी कुछ नहीं हुआ है, सिनर्जी कहाँ पे, मतलब दोनों को साथ में आने पे क्या हो रहा है पता है, आपका जो एग्जिस्ट, मतलब अभी मैं आपको इसका आउटकम बताता हूँ, व्हाई हैज दिस मर्जर बीन डन, क्या क्यों किया मर्जर, ये मर्जर से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है क्या? इट्स जस्ट दैट अ बिग लॉस, इट्स अ बिग लॉस विल बी अब्सॉर्ब बाय अ बिगर बैंक। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, गुड फॉर टारगेट और नॉट, गुड फॉर अक्वायरर और नॉट, गुड फॉर अक्वायरर, व्हेन आई से गुड फॉर टारगेट और अक्वायर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स ऑफ अक्वायरर एंड टारगेट, गुड और नॉट। अक्वायरर के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी चीज है कि ये आप लोगे क्या, लॉस मेकिंग कंपनी को लोगे क्या, लोगे क्या? अब मेरी बात अच्छे से सुनो, क्वेश्चन सुनो अच्छे से पब्लिक। मैं, मेरे पास गाड़ी है, सेकेंड हैंड गाड़ी पड़ा हुआ है एकदम सड़ा हुआ, उसका OLX पे भाव 20,000 आ रहा, गाड़ी चल सकता है आराम से, बेसिक गाड़ी है। अब वो गाड़ी मैं आपको 20,000 में बेच दूं, आप लोगे या नहीं लोगे? वो गाड़ी 2 लाख का गाड़ी था, मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, चल तो रही है गाड़ी, हाँ 2 लाख जितनी नहीं है, मैं उसका राइट वैल्यू पे लूँ या नहीं लूँ? आई टेक द कार, वाई? बिकॉज आई एम पेइंग द राइट वैल्यू, आई एम नॉट पेइंग 2 लाख रुपीज। सो जस्ट सी अबाउट दिस कंपनी, वट बैंक पी विल टेल, बैंक आर को ले लेते तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, अरे सर वो थका हुआ बैंक है, उसमें बहुत लॉस है। अरे टेंशन मत हो ना, मैं उसको शेयर थोड़ी ज्यादा दूंगा, उसका जितना फाइनेंशियल स्टेटस है उतना ही शेयर दूंगा ना उसको, तो उसको कौन सा ज्यादा शेयर दे रहा हूं मैं उसको, 0.125 जो भी उसका, ये सब फैक्टरिंग करके उसको शेयर दे रहा हूं, तो उसका NPA ज्यादा है, वो सब कंसिडर करके मैं उसको कम शेयर दे रहा हूं, तो क्यों नहीं लू? So it's that, it's a loss making car, but I'm getting it not at the actual value, I'm getting it at a much cheaper value, why not? So I'll consider that and then I'll take it. I won't pay them one share for one share, I'll take all that thing into consideration and then I'll put a proposal. Ke bank ko lene ka hai, ye bhav pe lo, nahi to mat lo. So now if I say merger ka, madam ye merger ka cheez target bank ke liye survival hai, wo individual survive nahi kar paata. कंपटीशन तो दूर की बात है, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, उसका इतना ज्यादा एनपीए था। सो दिस इज अ मर्जर फॉर सर्वाइवल, अदरवाइज बैंक पी वॉज अबाउट टू शट, डू और डाई सिचुएशन, आपने लिखा क्वेश्चन में देखा डू और डाई ऐसा था। सो दिस मर्जर में सिनर्जी दूर की बात है, सिनर्जी तो तब आए जब दोनों का बिजनेस ग्रो करे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, ये लॉस कम करने का मकसद था, ये इसको मैं बोलता हूँ मजबूरी वाला मर्जर, अब ये सब मजबूरी वाले मर्जर है, आइडिया वोडाफोन एंड ऑल। क्या होता है मजबूरी वाले मर्जर में, कोई सिनर्जी जनरेट होता है?
होता है होता है होता है होता है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है दोनों बैंक में कुछ है नहीं करने जैसा, बस सिर्फ मर्ज हुए तो उस हिसाब से वोट देना। सिनर्जी हो तो, अब नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग दैट देर विल बी अ सिनर्जी ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स एंड ऑल, इट मे नॉट, आई मीन आई जस्ट थिंक दैट वोटर्स आर नॉट दैट फूल दैट यू जस्ट प्रपोज अ स्ट्रक्चर एंड वी इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ऐसा है। वोटर्स वुड ऑफकोर्स गो विथ भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तुमने दोनों ने मर्जर कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा नेटवर्क लूंगा? नहीं, मेरे को पता तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं ही है और तुम्हारा सर्विस तो जरा भी अच्छा नहीं था और तुम्हारा प्राइस भी बहुत ज्यादा था। अंडरस्टूड? बचा है क्या अभी भी कोई वोडाफोन में? बचे? वाह, लॉयल कस्टमर्स हो। मैंने भी 13 साल तक वोडाफोन पोस्टपेड रखा था, बट देन आई रियलाइज दैट दे आर चार्जिंग टू मच एंड नेटवर्क नेटवर्क तो मेरे को लग रहा है इट्स ऑल नाउ वन एंड द सेम। मतलब मेरे बाहर वाले रूम में वोडाफोन का नेटवर्क नहीं पकड़ता, अंदर वाले रूम में जियो का नहीं पकड़ रहा है, सो मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं था। सो फाइनली मैंने सोचा स्विच करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, मैं कर दिया जियो। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में जियो का पकड़ रहा था और 18 माले पे घर में बोला लिफ्ट में पकड़ रहा है जियो, इंपॉर्टेंट है जियो, डन। और कॉस्ट कम, सब्सटेंशियली कम। ये वोडाफोन तो बिना मतलब का बिल फाड़ते जा रहा है, फाड़ते जा रहा है, बहुत कॉस्टली है। सो अभी वोडाफोन का गेम ओवर। सो अभी या तो एयरटेल या तो जियो, गेम ओवर। रेवोल्यूशन, आई क्रेडिट मुकेश अंबानी फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन। गॉन वर दोज डेज व्हेन दे यूज टू चार्ज अस अ बॉम्ब फॉर मैसेजिंग, डेटा, कॉल्स। मार्केट का कमर तोड़ के रख दिया, मतलब मेरे को लगता है बहुत लूटा इन्होंने, कस्टमर्स को बहुत लूटा। अब उनको कितना भी चिल्लाने दे, हम लोग ये सर्विस देते हैं ना वो सर्विस देते हैं, तुमको गेम ओवर। तो अफ्रीका वेफ्रीका उसने ज्वाइन अप किया, भारतीय एयरटेल तो ठीक है बट इट्स अ बिग अचीवमेंट आई वुड से, गुड फॉर द कस्टमर्स। चलो डन विद द सम, चलो पब्लिक आगे बढ़ते, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, ओके। एवरीवन जरा मेरे को बताओ, मर्जर में तीन चीजें, मर्जर में तीन चीजें वापस से बताओ। पहले वैल्यूएशन ऑफ टारगेट, सेकेंड मोड ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड में इंपैक्ट। एवरीवन द क्लास, पब्लिक अभी तक आपने कौन सा किया टेक्निक वैल्यूएशन ऑफ टारगेट में? याद करो याद करो, आपने पी बेस्ड किया, पी बेस्ड टेक्निक, इसको रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं। मोड ऑफ एक्सचेंज में क्या किया आपने अभी तक? शेयर्स, कैश किया ही नहीं अभी तक। और इंपैक्ट में क्या निकालते हो आप, ईपीएस या एमपीएस पे, बराबर ना? अब मैं चेंज करूंगा पहली दो चीजें, क्या वैल्यूएशन भी चेंज कर दूंगा और मोड ऑफ एक्सचेंज भी चेंज कर दूंगा एक एक करके, और शायद एक समय ऐसा पुटअप करूं जिसमें सब मिक्सअप हो। एवरीवन, तो मैं वैल्यूएशन में अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं गॉर्डन्स ग्रोथ। आपको याद है गॉर्डन्स ग्रोथ? एवरीवन, इक्विटी वैल्यूएशन P0 डिवन अपॉन K माइनस G, और शेयर्स के बाद मैं कैश भी करूंगा, कैश में एक्सचेंज, बट इंपैक्ट तो वही होने वाला है ईपीएस और एमपीएस पे। आपको वैल्यूएशन कैसे करूं टारगेट से, उससे कोई लेना दे, जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे वैल्यू करूंगा। सो अब जब मैं मर्जर का कॉस्ट निकालता हूं, अक्वायरर को कितना खर्चा लगा मर्जर का, तो जनरली जब मैं शेयर्स में करता था तो मैं कैसे करता था जरा अच्छे से देखो। इफ द मर्जर इज फाइनेंस बाय शेयर्स, जो अभी तक आप करते थे, सो आप क्या करते थे, पहले वैल्यू ऑफ टारगेट निकालते थे प्री मर्जर। याद है 60 करोड़ पहले कंपनी का वैल्यू था, 3 × 20 करोड़ ऐसा, 3 करोड़ शेयर्स इंटू 20, ये टारगेट का प्री मर्जर वैल्यू था, मार्केट कैप। मर्जर के बाद उसको कितने शेयर मिल रहे हैं अक्वायरिंग कंपनी के और क्या भाव के, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ टारगेट इन द मर्ज एंटिटी। वो अपन करते थे, समझो अभी वो एक सम में किया था अपन ने, सम में किया था जहां पे मर्जर के बाद कंपनी का वैल्यू 72 पॉइंट ऐसे कुछ हो रहा था करोड़, और मर्जर के पहले 60, तो मैं क्या बोलता था कि 12 करोड़ का प्रीमियम।
उसी को मैं क्या बोलता था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेनिफिट टू टारगेट या इंपैक्ट. सो जब मैं कॉस्ट ऑफ मर्जर निकाल रहा हूं अक्वायरर के लिए, जब शेयर्स में करता था तो क्या देखता था कि मर्जर के बाद टारगेट को कितने शेयर्स मिल रहे, क्या भाव वाले है, और मर्जर के पहले उसका कंपनी का भाव क्या था. अब जब मैं कैश में करूंगा, कैश में तो सिंपल मेरे को दे दिया रहेगा कि टारगेट के शेयर होल्डर को कितना कैश दिया और सामने उतना उनका वैल्यू कितना था. जैसे कि अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 8 पे. वहां पे आपको दिया है, एज अ फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ बीएम लिमिटेड यू आर एनालाइजिंग प्लान्ड एक्विजिशन ऑफ डब्ल्यू ए. पब्लिक, बीएम कौन है? अक्वायरर. और वो प्लान किसका कर रहा है, किसको खरीदने का? पब्लिक, डब्ल्यू ए को खरीदने का प्लान कर रहा है, विच इज अ टारगेट कंपनी. ओके, और आपको उन दोनों का डिटेल्स यार होगा. देखते अपन क्या है. एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर, कोई बता सकता है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स मतलब क्या? ईपीएस नेक्स्ट ईयर वाला. एवरीवन, 10 और 3. दूसरा क्या दिया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, मतलब मैं बोल सकता हूं डीपीएस नेक्स्ट ईयर. डी वन आते ही दिमाग में आना चाहिए, D1/KE-G, गॉर्डन्स ग्रोथ लगने वाला. 6 and 1.60 एवरीवन. नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स और करंट मार्केट प्राइस, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स और करंट मार्केट प्राइस लिख देता हूँ. नंबर ऑफ शेयर 20 लाख और 12 लाख. एवरीवन, 20 लाख और 12 लाख. और वहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 180 और 40. अपना स्टूडेंट ये करते करते एक और चीज़ भी लिख सकता है, कोई बता सकता है क्या? क्या 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 और एक चीज़ लिख सकते हो ना आप साथ में, क्या? पब्लिक, एमपीएस और नंबर ऑफ शेयर से आपको मिल जाएगा मार्केट कैप. कितना मार्केट कैप निकालो, 180 × 20, कैन आई से 3600 लाख, और 20 × 24, 480 लाख. समझा क्या? इंफॉर्मेशन लिखते रहो मेरे साथ में क्वेश्चन को देखते देखते, ताकि टाइम बचे अपना. नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. Your estimate indicates expected steady growth in earnings and dividends to the tune of 6%. Public, क्या आया ये? Growth rate कितना? 6%. However, under the new management, everyone highlight that word, new management, the growth rate is likely to go up to 8% without additional investment. मतलब अभी growth rate कितना हो जाएगा? 8%. New management किसके बारे में बात चल रही है, जरा सोचकर समझकर बोलो. मैंने थियरी कराते वक्त बोला था, एक थियरी था जिसका नाम था गोल्डन पैराशूट. याद है गोल्डन पैराशूट. क्या करता है मैनेजमेंट, उसमें क्या करता था, उनको पता है हमारा पत्ता कटने वाला है, तो सिवरेंस पैकेज, बहुत बड़ा एग्जिट पैकेज रख देता था. किसका मैनेजमेंट निकलेगा, कहां पे नया मैनेजमेंट आएगा, टारगेट में, अक्वायरिंग में? टारगेट में नया मैनेजमेंट आएगा, तो किसके बारे में बात चल रही है, समझा क्या? कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा तो समझेगा, उन्होंने बोला है क्या किसका, तो आपको उधर से दिमाग लगाना है कि किसका ग्रोथ पहले 6 था फिर 8 हुआ. अक्वायरर का टारगेट का. पब्लिक, किसका? टारगेट का. नया मैनेजमेंट टारगेट में आने वाला है. ये सब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सब कर नहीं पाएगा. आप चिल्ला के थक जाओगे, सर बताया नहीं. बताएगा क्यों? आपको पता होना चाहिए नया मैनेजमेंट किसका आएगा. समझे क्या पब्लिक? So, यहां पे किसके बारे में बात चल रही है पब्लिक, ये किसके बारे में बात चल रही है? टारगेट डब्ल्यू ए के बारे में बात चल रही है. तो ये 6% कब होगा? वेरी गुड. क्या लिखूंगा मैं इसको? प्री मर्जर 6%, बट नया मैनेजमेंट आ जाएगा मर्जर के बाद, पोस्ट मर्जर कितना हो जाएगा? 8%. एवरीवन इन द क्लास गेटिंग दैट? ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया. अब मेरे को एक बात बताओ, इससे क्या होता है? जब ग्रोथ बढ़ जाएगा टारगेट में तो होगा क्या पब्लिक? क्या होगा टारगेट में ग्रोथ बढ़ जाता है? अरे छोड़ो ना डिविडेंड, अपना डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल, उसमें जरा सोचो ना, बाकी सब चीज सेम रहे. ग्रोथ बढ़े तो प्राइस बढ़ जाएगा ना. तो कंपनी का आज टारगेट का वैल्यू कितना है? सर आज टारगेट का वैल्यू 40 रुपए है, 6% ग्रोथ रेट पे. 8% ग्रोथ रेट पे बढ़ जाना चाहिए. सो ये मैं कैसे निकालू, इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? क्या मैं लिखूंगा? एज पर माननीय श्री गॉर्डन्स ग्रोथ.
क्या पी जीरो इक्वल्स टू पब्लिक डी वन अपॉन के माइनस जी। एवरीवन मर्जर के पहले जरा इंफॉर्मेशन देखो, आपके पास डी वन भी है और ग्रोथ रेट भी है, प्राइस भी है ना, कितना है तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, के ही मिलेगा। तो जरा ढूंढ सकते हो मर्जर के पहले के ही कितना, के ही कितना, क्या करूंगा मैं, के इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो जी। डी वन कितना था, 1.60 अपॉन प्राइस 40 प्लस ग्रोथ 0.06। के ही कितना था जरा निकालो पब्लिक, 4 + 6 = 10%। एवरीवन अब मर्जर के बाद क्या हो जाएगा, सर मर्जर के बाद बाकी सब चीज सेम, सिर्फ मैं एक चीज चेंज किया, क्या 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 क्या, ग्रोथ चेंज किया। एवरीवन सो मर्जर के बाद अगर मेरे को पी जीरो निकालना रहा पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद पब्लिक पी जीरो कैसे निकालोगे, पी जीरो बाकी सब इंफॉर्मेशन जैसा है वैसा रखो। डी वन कितना है पब्लिक, डी वन 1.6 अपॉन के ई, के ई अभी मैं क्या रखूंगा पब्लिक 0.1 माइनस 0.08। ये वैल्यू बढ़ाएगा कम करेगा, सर ग्रोथ बढ़ने पे वैल्यू बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा पब्लिक, कितना 80 रुपीस 1.6 डिवाइडेड बाय 0.02। मैं अभी भी जरा देखो ये स्किल आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा, अभी भी मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं उन्होंने जो बोला उसे, बट मेरे को पता है क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन, अभी पहले कुछ कंपनी का वैल्यू कुछ और था, आगे जाके कुछ हो जाएगा अगर मर्जर हुआ तो, नहीं तो नहीं। So, ये सब जो मैंने वैल्यू निकाला, ये जो मैंने नया प्राइस निकाला पब्लिक, क्या मैं इसको बोलू दिस न्यू प्राइस इज व्हाट, पोस्ट मर्जर हो सकता है, अभी नहीं। उसमें भी सर वैल्यू बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सिनर्जी सिंडिकेटेड एनर्जी, साथ में आओ तो जो एक्स्ट्रा करता है उसको सिनर्जी। एवरीवन वो मराठी में तुम पढ़ो क्या संधि सोड़वा, वो दोनों को ऐड करो तो मीनिंग पता चल जाए, सिंडिकेटेड एनर्जी सिनर्जी, दो लोग जब साथ में मिलते हैं और तीसरा आता है उसको सिनर्जी, मतलब जो एक्स्ट्रा आता है वो। एवरीवन आगे, हाँ अभी तक अपन सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे, कैलकुलेट क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय बीएम इफ 50 इज पेड फॉर ईच शेयर ऑफ डब्ल्यूएस पब्लिक। ये उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला है, लेकिन क्या क्या किस पे क्या आपने नोटिस किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछा है, लेकिन क्या मैं बताऊं ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज हुई है बेसिस पे, कैश या शेयर्स। जरा देखो क्या दे रहा है वो, उसको शेयर्स दे रहा है कैश दे रहा है, कैश दे रहा है। तो जरा कॉस्ट ऑफ मर्जर अगर मैं निकालू फर्स्ट पार्ट का कॉस्ट ऑफ मर्जर पब्लिक, तो कॉस्ट ऑफ मर्जर मैं कैसे निकालूंगा, उसको कितना कैश दिया जा रहा है, कितना कैश दिया जा रहा है उसको पब्लिक, 50 रुपया पर शेयर होल्डर को, उसके पास कितने शेयर होल्डर है, 12 लाख शेयर होल्डर्स। पहले था कितना वैल्यू उसके, 12 लाख शेयर होल्डर का वैल्यू कितना था, 40 रुपए। तो पब्लिक उसको अपन एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं पर शेयर होल्डर, 10 रुपए एक्स्ट्रा पब्लिक, वो है आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर 120 लाख। ये अगर मैं बोलूं ये कब होगा पब्लिक, ये अगर उसको कैश पे किया तो, पार्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मर्जर विथ कैश। एवरीवन विथ मी, कैश 12 लाख शेयर से उनको 40 रुपए के बदले 50 रुपए देके निकाल दिया, राइट। दूसरा चीज क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ 1 शेयर ऑफ बीएम फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ डब्ल्यू ए इज अग्रीड पब्लिक। अभी क्या दिया मेरे को उन्होंने, पार्ट टू में उन्होंने मेरे को एक्सचेंज रेशो दिया, तो आपको पता है एक्सचेंज रेशो अभी यहाँ पे बाकी का पूरा चेन बनेगा। तो पार्ट टू में मैं लिख देता हूँ मर्जर मैं लिखूंगा मर्जर विथ कैश शेयर्स, क्या लिखूँ मर्जर विथ शेयर्स, तो अब मैं हेडिंग लिखूंगा मर्जर विथ शेयर्स, और उसमें भी उन्होंने मेरे को एक्सचेंज रेशो दिया हुआ है। एक्सचेंज रेशो क्या दिया हुआ है पब्लिक, एक्सचेंज रेशो कितना शेयर मिलेगा उसको, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर। एवरीवन सो इससे मैं दो चीजों निकाल सकता हूं, क्या नंबर ऑफ शेयर्स टू टारगेट और पोस्ट मर्जर शेयर निकाल सकते हो पब्लिक, वहां तक आके रुक जाओ फिर आगे का अपन करते हैं। सो यहां पे मैं करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स टू टारगेट कितना प्लस अक्वायरर के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना, और उधर से मेरे को मिलेगा पोस्ट मर्जर, क्या पोस्ट मर्जर शेयर्स मिलेगा आफ्टर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर,
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर. सो वहाँ पे पब्लिक कितना शेयर जाने वाला है उसको 1:3 टारगेट के पास कितना शेयर है 12 लाख शेयर्स है तो उसको 4 लाख एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा. और अक्वायरर के पास कितने शेयर थे सर 20 लाख थे तो मर्जर के बाद आपके पास हो जाने वाला है 24 लाख शेयर. यहाँ तक एवरीवन. अब क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको वापस से पूछा वो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो और आगे बोला कंप्यूट फ्रॉम गेन फ्रॉम एक्विजिशन इफ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कंटिन्यूस टू बी 6% एंड हाउ द न्यू शेयर प्राइस एज वेल एज कॉस्ट विल बी डिफरेंट. अभी ये जो इन्होंने क्वेश्चन बोला है ना उसको थोड़ा एब्रप बोला है. मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अगर 6% पे ग्रोथ हुआ जो करंट है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और अगर 8% ग्रोथ हुआ मतलब सिनर्जी आया तो क्या होगा. कोई बता सकता है इसका मतलब वो बेसिकली क्या चाहते हैं मेरे से करवाना. मैं बोला मर्जर में तीन ही चीज है इंपैक्ट दे वांट मी टू फाइंड आउट द इंपैक्ट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ना मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकाल के बताऊंगा करना तो बेसिकली इंपैक्ट ही है. अब पब्लिक आगे का जो सम है आगे का सम है मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा हूं. कौन सा दो हिस्सा पब्लिक बताएगा कोई मेरे को नहीं. हाँ वेरी गुड. क्या बोला दोस्त तूने अगर कंपनी 6% के ग्रोथ रेट पे ही कंटिन्यू की तो किसकी बात कर रहा हूं मैं टारगेट की. सो इफ द टारगेट ग्रोथ रेट इज कंटिन्यूइंग एट 6% दैट इज विदाउट सिनर्जी तो मैं लिखता हूं मतलब विदाउट सिनर्जी. और अगर वो 8% पे टारगेट ने ग्रोथ किया तो टारगेट ने अगर 8% पे ग्रोथ किया तो विथ सिनर्जी जो उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग अक्वायर करेंगे तो 8% पे ग्रो करेगी नहीं तो नहीं. एवरीवन सो अब हम लोग क्या करते जब अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है उसके बाद क्या करते थे याद करो याद करो याद करो. जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता था तो आप क्या करते थे दोस्त पहले ईपीएस निकालते थे पोस्ट मर्जर. क्यों निकालते थे पोस्ट मर्जर ईपीएस ताकि आप अक्वायरिंग कंपनी का पी रेशो से मल्टीप्लाई करके एमपीएस करो. अभी नहीं करूंगा अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी पी रेशो नहीं करना है अभी 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 गॉर्डन्स ग्रोथ अप्लाई करना है तो वो दिमाग से हटा दो. अभी अभी आप पोस्ट मर्जर ईपीएस क्यों करोगे क्योंकि पी रेशो से मल्टीप्लाई करना ही नहीं उन्होंने गॉर्डन्स ग्रोथ डाला है मतलब आपको गॉर्डन्स ग्रोथ अप्लाई करने का है. तो पब्लिक कंपनी का वैल्यू है कितना वो अपने निकाला हुआ है 6% के ग्रोथ पे कंपनी का वैल्यू निकाला हुआ है पब्लिक तो 6% के ग्रोथ पे टारगेट का वैल्यू आपने निकाला हुआ है कितना है पब्लिक एग्जिस्टिंग वैल्यू कितना है टारगेट का 40 रुपए और मर्जर के बाद टारगेट का वैल्यू मतलब 8% ग्रोथ हुआ तो 80 रुपीज. सो मैं क्या करने जा रहा हूं अभी जरा देखना. मैं निकालने जा रहा हूं मार्केट कैप पोस्ट मर्जर दोनों कंपनी का मार्केट कैप क्या हो जाएगा. पहले कितने शेयर से इसके पास सर 20 लाख शेयर एट 180 जो आपने ऊपर निकाला हुआ है मैं वापस से निकालता हूँ 20 लाख शेयर इंटू 180 प्लस अगर 6% पे ही ग्रोथ हो रहा है तो टारगेट का भाव क्या टारगेट का प्राइस क्या पब्लिक 40 रुपये तो 40 रुपये कितने शेयर पे पब्लिक 12 लाख शेयर इंटू मैं लिख रहा हूँ इधर 40 रुपये. तो आप दोनों कंपनी का एम कैप अगर मर्ज करोगे तो आपको एम कैप कितना आएगा सर पब्लिक 3600 प्लस 480 दैट इज 4080 लाख बराबर दोनों का मैंने एम कैप मर्ज किया हुआ है. अब पब्लिक इससे करूंगा क्या मैं इससे दोनों का एम कैप मर्ज किया हुआ है और मेरे को पता है पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है पब्लिक पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना जाने वाला है 24 लाख ऊपर निकाले हो तुम तो मैं डायरेक्ट अभी इस पे मैं मर्जर के बाद वाला एमपीएस निकालू डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ एमपीएस पोस्ट मर्जर मैं कैसे निकालूंगा पब्लिक 4080 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख जरा एमपीएस निकालो पब्लिक आपको आएगा एमपीएस 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 पोस्ट मर्जर 170 ये हो जाएगा आपके एक शेयर का प्राइस. अभी वो पी इंटू ईपीएस नहीं करूंगा मैं. अब मेरे को क्वेश्चन में निकालने क्या बोला था उन्होंने याद करो क्वेश्चन में निकालने बोला था उन्होंने कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालो. कॉस्ट ऑफ मर्जर मतलब क्या टारगेट का पहले वैल्यू क्या था मर्जर के पहले और मर्जर के बाद में. सर मर्जर के पहले टारगेट का वैल्यू क्या था 12 लाख शेयर थे 40 वाले. अब टारगेट को कितने शेयर मिल रहे हैं मर्जर के बाद जरा देखो 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 4 लाख शेयर मिल रहे हैं मर्जर के बाद क्या भाव वाला
क्या भाव वाला पब्लिक? 170 वाला, समझा क्या? तो टारगेट को था उसका वैल्यू 480 लाख और उसको कितना मिल रहा है जरा देखो, 340 × 4 = 680, बेसिकली कितना टारगेट को एक्स्ट्रा मिल रहा है सर? 200 लाख। ये आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर एवरीवन। लेकिन लेकिन अभी सेम चीज अगर मैं करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे करूं वापस से, मैं इधर मार्केट कैप निकालूं मर्जर के बाद क्या होगा? ये जो मैंने एम कैप निकाला ना इधर पब्लिक, ये पोस्ट मर्जर है। अभी मैं पोस्ट मर्जर एम कैप निकालूं तो अब क्या होगा सर? इधर टारगेट का अक्वायरर का तो कितना था? 20 लाख। पब्लिक मैं 20 लाख इंटू कितना शेयर्स उसका 20 लाख शेयर्स इंटू 180 का प्राइस प्लस। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा टारगेट का, क्या करूंगा मैं सर? टारगेट के पास 4 लाख शेयर थे, लेकिन क्या भाव वाले रहेंगे अभी वो सर? क्या भाव वाले रहेंगे? 12 लाख शेयर्स 80 वाला। नॉट क्यू, क्योंकि मर्जर के बाद उसका भाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये इंटेंशन से तो मैं ले रहा हूं। सो नया मार्केट कैप क्या हो जाएगा जरा निकालो पब्लिक, न्यू मार्केट कैप क्या हो जाएगा? ₹4560 लाख। अब इसी पे अगर मैं एमपीएस निकालू तो जरा एमपीएस देखो, पोस्ट मर्जर अभी कितना हो जाएगा पब्लिक? अब आप एमपीएस निकालोगे तो आप करोगे 4560 डिवाइडेड बाय 24 लाख, विच कम्स टू कितना रुपीज? अभी आपका भाव बढ़ गया, कितना हो गया? 190 रुपीज हो गया। और अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालू यहाँ पे, सो नाउ इफ आई पुट माई कॉस्ट ऑफ मर्जर, सो मेरा कॉस्ट ऑफ मर्जर में क्या पब्लिक, उसका उसको अभी कितना, पहले वैल्यू तो उसका 12 लाख शेयर 40 रुपए पे था, लेकिन अभी आप उसको कितना दे रहे हो? उसको 4 लाख शेयर दे रहे हो, क्या भाव वाला? 190 वाला दे रहे हो। तो उसको कितना फायदा हो रहा है जरा देखो, उसको फायदा हो रहा है 280 लाख। एवरीवन ये उनको आंसर चाहिए। लेकिन अब मैं ये आंसर में थोड़ा ट्विस्ट करूंगा। ये उन्होंने जो आंसर मांगा है पब्लिक, अपन आंसर कैसे निकालते हैं? अपन आंसर तो एक ही तरीके से निकालते हैं। अपन कैसे पता है? हम लोग निकालते हैं इम्पैक्ट से। याद है मैंने क्या बोला था, इंस्टीट्यूट को जो आंसर चाहिए तरीका दे लो, बट अपन इम्पैक्ट से भी निकाल सकते हैं इसको। अगर मैं इम्पैक्ट से निकालता तो कैसे निकालता जरा देखो, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं इम्पैक्ट ऑन MPS या एम कैप, इंपैक्ट ऑन MPS या एम कैप। इससे क्या होगा पता है? ये जो ऊपर का वैल्यू है ना 200 लाख, उससे तो आपको पता चला टारगेट को कितना मिला, अक्वायरर के जेब से गया या मिला वो पता चला क्या? नहीं। अब कोई कैलकुलेशन कुछ मत करना, कोई कुछ कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि मेरे को चाहिए कि आप बिना कैलकुलेशन का ही आंसर निकालो। No one will calculate, इधर उधर कुछ देखना मत। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा है, वरना क्या समझा कॉन्सेप्ट? सो अब मैं लेता हूं इंफॉर्मेशन, किसका? अक्वायरर का और टारगेट का। पब्लिक मर्जर के पहले का प्राइस बोलो अक्वायरर का और टारगेट का। अक्वायरर का कितना था? 180 एवरीवन, और टारगेट का 40। मर्जर के बाद कितना भाव हो गया, कितना भाव हो गया दिख रहा है यहां पे पब्लिक? 170, और इसका टारगेट का भी 170 ना, लेकिन उसको कितना मिलेगा शेयर? शेयर 1:3 डालो जरा कैल्सी में, 1/3 कितना मिलेगा? 56.67 ना, अपने कैल्सी में उसमें से माइनस 40 करो तो 16.67 ऐसा कुछ रिकरिंग होगा। और इंटू उसके पास कितने शेयर थे पता है? कितने शेयर थे? 12 लाख शेयर करो, आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा जो ऊपर है। क्या मिलेगा सर आपको? आपको मिलेगा 200 लाख मिला क्या पब्लिक एवरीवन? सर क्या इधर कोई सिनर्जी आया क्या? तो सर अगर सिनर्जी नहीं आया तो वो 200 लाख किधर से जाना चाहिए? सर 200 लाख किधर से जाना चाहिए? ये भाई के जेब से जाना चाहिए। एवरीवन विथ मी जरा देखो कैसे। इधर अगर मैं गेन लॉस निकालू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करूं तो इसका गेन लॉस कितना हो रहा है पब्लिक? इसका कितना पैसा जा रहा है? 10 रुपए लॉस। और उसके पास कितने शेयर थे देखो जरा ऊपर, उसके पास थे 20 लाख शेयर थे, तो उसका लॉस। एवरीवन
अब यही चीज अगर मैं इंपैक्ट इधर निकालू सेम मैनर में, पब्लिक सेम मैनर में अगर इंपैक्ट निकालू अक्वायरर और टारगेट, अब भी आपको मेरे कैलकुलेशन करने से पहले पता होना चाहिए कि जब मैं इधर प्री मर्जर पोस्ट मर्जर लिख रहा हूँ, गेन लॉस सब निकालने वाला हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट वाले केस में मेरे को क्या आने वाला है। कोई बता सकता है मेरे को पब्लिक टारगेट के केस में क्या आने वाला है? तो आपको कॉन्सेप्ट समझा, वरना क्या समझा कॉन्सेप्ट? पब्लिक इधर कितना आने वाला है? 280 लाख का गेन, वही तो ऊपर है, वही तो मैच होना चाहिए। और अक्वायरर को कितना आना चाहिए? मैं चाहता हूं आप इधर से देखो, पहले दोनों का मार्केट कैप कितना था पब्लिक? 3600 प्लस 480, दैट इज 4080। और रिवाइज कितना हो गया मार्केट कैप? देखो 4560, तो करो 480 माइनस 4560 कितना? 480, उसमें से 280 अगर टारगेट को गया है तो इसको भी तो 200 लाख मिलना चाहिए। यही मैच करने का है। देखते अपन नंबर ऑफ शेयर्स से, इसके पास 20 लाख शेयर्स था, इसके पास 12 लाख शेयर्स। पहले भाव कितना था सर? 180 और 40। मर्जर के बाद अभी भाव कितना पब्लिक? 190 लूंगा मैं, 190। देखो इसको 10 रुपए का फायदा, 200 इसको, और इसको क्या करूंगा? 190 into 1/3 63.33 माइनस 40 करो 23.33 इंटू 12 लाख करो, एग्जैक्टली 280 लाख। अब आपको समझा, इंस्टीट्यूट कुछ भी बोले, कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालो, आप क्या निकालोगे? इंपैक्ट निकालोगे। उससे पता चलेगा क्या? वही चीज जो मैंने पहले बोला था, टारगेट को कितना जा रहा है वो तो पता चलेगा, लेकिन अक्वायरर को भी मिल रहा है कि नहीं पता चलेगा। अब ये सब में मैंने दोनों तरीके से किया पब्लिक, पहले ग्रोथ रेट 6% पे भी और फिर 8% पे भी। कंक्लूजन क्या निकला पब्लिक? कंक्लूजन क्या निकला? सम का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव समझो। आप ये कंपनी खरीदने जा रहे हो, बीएम इज गोइंग टू अक्वायर डब्ल्यू ए, राइट? अगर कैश में पे कर रहे हो तो उसको 120 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाएगा। शेयर्स में अगर दे रहे हो तो उसको कितना शेयर एक्स्ट्रा दे रहे हो? 4 लाख। अब कंपनी अभी मर्जर के पहले क्या रेट पे ग्रो कर रही है? मर्जर के बाद, ये उसका एस्टिमेशन है। अगर मर्जर के बाद कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया 8% पे, तो टारगेट को तो फायदा होगा लेकिन आपके जेब में से, समझे क्या? सम में टारगेट को तो फायदा होगा बट किस में से? सर अक्वायरर के जेब में से। लेकिन अगर मर्जर के बाद कंपनी ने फायदा किया तो टारगेट को तो फायदा होगा ही, आपको भी होगा। मतलब आपका एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 6 to 8 इज वेरी क्रूशियल। अब याद करो इक्विटी वैल्यूएशन में मैंने क्या बोला था, रियल लाइफ में व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? द इशू इज नॉट हाउ टू कैलकुलेट, योर एस्टिमेशन, योर अजम्पशन, दे आर सो क्रूशियल, विच कैन बी डिसएडवांटेज में आपने पढ़ा था, सब्जेक्टिव हो सकता है यार, आगे पीछे थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो भाई इधर पूरा कंपनी का हिल जाएगा सिस्टम। एवरीवन दिस सम, ये आपके लिए सिर्फ सम हो सकता है, बट अब ये सम को प्रॉपरली समझो, इट इज शोइंग दो एस्पेक्ट। क्या? एक तो पहले शेयर्स एक्सचेंज कैश पे किया, वो तो बहुत ईजी है कि उसका 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया पर शेयर पे। लेकिन आप जो कर रहे थे इसमें पब्लिक, जरा नोटिस करो, मैंने इस पे ये जो मैंने अभी जब एक्सचेंज कर रहा हूं शेयर्स, बट विद वैल्यूएशन मेथड, मैंने पी नहीं, क्या किया अभी? गॉर्डन्स ग्रोथ। सो उसमें मैंने दोनों पर्सपेक्टिव लिया है, 6 भी और 8 भी। 6 अज्यूमिंग कि कोई सिनर्जी नहीं आएगा, 8 सिनर्जी आएगा। सर आप मर्जर क्यों कर रहे हो? सिनर्जी आया या नहीं आया उसके लिए? आया ना। तो सर इन रियलिटी में आपको एग्जाम में सम में सिर्फ 8% भी ग्रोथ बताते तो चलता। ये सम को मैंने थोड़ा मेरे हिसाब से एडजस्ट करके बताया कि 6 पे क्या होगा और 8 पे क्या होगा, पहला चीज। दूसरा चीज जरा नोटिस करना, आप जब पी बेस्ड वैल्यूएशन करते थे तो आप क्या करते थे? पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते थे, एक्सचेंज रेशो, उसके बाद सिस्टम चेंज, आप पोस्ट मर्जर ईपीएस और पी रेशो लेते थे। अभी नहीं करने का, क्यों? क्योंकि गॉर्डन्स ग्रोथ है, आएगा तो कर लेना, लेकिन अभी इसमें नहीं है, इसमें D1 E1 दिया है, मतलब दे वांट यू टू अप्लाई गॉर्डन्स ग्रोथ, दे मे नॉट हैव रिटन गॉर्डन्स ग्रोथ एनीवेयर, हेंस यू विल राइट एज पर गॉर्डन्स ग्रोथ, हेंस आई हैव रिटन हियर एज पर गॉर्डन्स ग्रोथ। एवरीवन, सो पब्लिक 6% ग्रोथ रेट पे क्या और इधर क्या? तो ऐसे टाइम पे मैंने कैसे वैल्यूएशन किया पता है? दोनों का एम कैप क्लब किया, दोनों का एम कैप, इसका एम कैप 6% पे मैंने क्या कंसीडर किया? वही पुराना जो प्राइस था वो, लेकिन इसके एम कैप में रिवाइज प्राइस 80 वाला। अब पब्लिक अगर आप अगला सम करो, समझो नेक्स्ट सम कोई करो,
उसमें उन्होंने बोला ग्रोथ 6 से 8% होगा, तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले 6% के जो भाव पे से केई निकालोगे, जैसे मैंने ये सब में निकाला, और उसी केई और D1 पे रिवाइज ग्रोथ रेट पे प्राइस निकालोगे। और जब आप नया एम कैप निकालोगे तो जो कंपनी के पुराने शेयर है टारगेट के, उसको पुराने भाव पे नहीं लोगे, न्यू प्राइस पे लोगे। जो इधर 40 पे लिया ना मैंने, तो इसको नए प्राइस पे लोगे 80 पे, तो आपका एम कैप बढ़ेगा मर्ज एंटिटी का, वही तो सिनर्जी है। अब उसमें से इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। मतलब इंस्टीट्यूट आपसे एक ही परस्पेक्टिव पूछ रहा है, क्या टारगेट को जेब में कितना जाएगा वो निकालो। लेकिन आप क्या करोगे सर, आप इंपैक्ट निकाल के उससे पता चलेगा टारगेट को कितना जा रहा है और अक्वायरर को कितना रहा है, और सर आपको पता है वो दोनों कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना टोटल मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुआ है। मतलब टोटल मार्केट कैप कितना था सर पहले, 4080 से 4560, 480 रुपया बढ़ा, 480 लाख, उसमें से टारगेट को 280 का और अपने को कट शॉर्ट। सम इंस्टीट्यूट को कुछ भी पूछने दो, आपको इंपैक्ट ही निकालने का है। इंस्टीट्यूट बोले टारगेट को फायदा कितना, अक्वायरर को इंडिविजुअली बोले, आप दोनों को निकाल के आ जाओ। समझा क्या पब्लिक, एवरीवन इन द क्लास, राइट? ट्राई डूइंग दैट। चलो इंटरेस्टिंग, इसको मैंने सम देखना, मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ वहां पे देखना। कॉस्ट ऑफ मर्जर उनको जो पीएम में चाहिए ना, उस हिसाब से मैंने निकाला कॉस्ट ऑफ मर्जर, बट मैंने अपने लिए उसको पीछे अपने रेफरेंस के लिए इम्पैक्ट में निकाला। आप भी एग्जाम में इम्पैक्ट में निकालो तो चले। सो इम्पैक्ट में निकालो तो मेरे को भी वही फिगर आने वाला है, लेकिन इधर से मेरे को पता चलेगा टारगेट का जो 200 लाख है वो अक्वायरर के जेब से गया। मार्केट कैप, हाँ, हाँ, बराबर, राइट, एक सेकेंड, हाँ, इधर क्या बोल रहे तू, यहाँ पे मैंने किस पे लिया हुआ, हाँ, रिवाइज मार्केट कैप मैंने किस पे लिया हुआ है, हाँ, मतलब जो तू कंपनी तेरे को कितने की दिख रही है, हाँ, कितने की है कंपनी, कंपनी का वैल्यू, अभी तू कंपनी का वैल्यू देखेगा तो कंपनी की वैल्यू तेरे को कितने की दिख रही है वहां पर, एक मिनट, हाँ, मतलब यहां पे मेरे को कंपनी, अगर तू मर्जर के पहले देखे तो कंपनी कितने की है मैं तेरे को बता दो, कंपनी 40 रुपए पे कितने शेयर है, 12 लाख, मतलब मेरे लिए कंपनी 480 लाख की कंपनी है। अब वो तेरे को 480 लाख की अब भी दिख रही है, लेकिन तेरे को पता मैं इसको खींचूंगा तो मैं इसका 680 लाख भी या उससे ज्यादा भी निकाल सकता हूं। सो तब तेरे इट डिपेंड्स कि वेदर ग्रोथ होने वाला है कि नहीं। सो तू क्या बोलता है, ये 40 रुपया, मतलब 6% के ग्रोथ रेट पे ये 40 रुपये पे, सो मार्केट में ये कंपनी का कीमत 480 लाख है, बट मेरे लिए इसका 480 लाख नहीं है, मेरे लिए ये 8% के ग्रोथ रेट पे ये जो 40 रुपया है वो 80 रुपये होना चाहिए था, जो रिवाइज प्राइस मैंने निकाला उस हिसाब से पर शेयर 12 लाख इंटू 80 रुपये, मेरे लिए वो कंपनी कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 960 लाख ना, 960 लाख की कंपनी है मेरे लिए, इसीलिए तो तू बोल रहा है अंडर वैल्यूड है, मैं बाय कर लेता हूं। ये तेरे लिए जो 480 लाख की कंपनी है कब, अगर कुछ ग्रोथ नहीं हुआ तो, ग्रोथ हुआ तो तेरे लिए वो 980 लाख की कंपनी है, 960 लाख की कंपनी, 960 लाख की कंपनी। सो उसको तू कंसीडर करके अभी वैल्यूएशन कर रहा है। So, तेरे को वहां पे क्या दिख रहा है कि मैं 12 लाख की शेयर लिया पोस्ट मर्जर, वो मैं कंसीडर किया कि 12 लाख शेयर 40 पे या 80 पे, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो 40 का भाव बराबर है, ग्रोथ हो रहा है तो 80 का भाव है।
तो मेरे लिए वो कंपनी 960 लाख की है। अब अगर दोस्त वो 960 नहीं हुआ तो तू उसको जो 200 एक्स्ट्रा गया वो तेरे जेब से गया। मस्त समय। और हर समय नोटिस करते रहो, सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। इम्पैक्ट जैसे निकालोगे ना उसका अमाउंट मैच होना चाहिए जितना मार्केट कैप में इंक्रीज हुआ। इसके बाद जो 9th वाला सम जो मैं कराने वाला हूं ना, वो सम आई बिलीव इज एमएनए का बेस्ट सम। आफ्टर दैट एनपीए वाला सम अगर कोई है तो वह एमएनए का बेस्ट सम है। इट इज द रिविजन ऑफ एंटायर एमएनए टिल नाउ। क्या पब्लिक यहाँ पे अच्छे से निकालो उसका एम कैप वगैरह दोनों के ग्रोथ परस्पेक्टिव। एग्जाम में सर शायद एग्जाम में आपको 6% ग्रोथ वाला ऑप्शन ना करना हो, सीधा 8% पे ही करना है। मैंने यहाँ पे दोनों परस्पेक्टिव बताया कि 6 कंपनी ने सिनर्जी नहीं दिया तो तुम्हारे जेब से जाएगा, दिया तो दोनों को फायदा होगा। सो इफ यू आस्क मी एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से मे बी यू हैव टू गो विद 8% ओनली। अभी जरा पब्लिक आप नोटिस करोगे तो एमएनए का ना, नाउ ऑल सम्स हैव आंसर इन इटसेल्फ। अगर आप नोटिस करोगे तो अभी जब आप नेक्स्ट टाइम एमएनए करो और जब इंपैक्ट डेफिनेटली वो पूछेंगे इंपैक्ट निकालने को, मतलब दो पर्सपेक्टिव में पूछ सकते हैं, कॉस्ट निकालो, बेनिफिट टू टारगेट निकालो, इंस्टीट्यूट को घुमा फिरा के जो भी पूछने दो, आप इंपैक्ट ही निकाल रहे हो या तो अर्निंग्स में या तो एमकैप में, और वो उधर ही मैच हो रहा है। समझ रहा है क्या? हिंट सम के अंदर ही है। अब बाकी सब स्टूडेंट के लिए, अरे मेरा ये आंसर है, मेरा ये आंसर है, मेरा आंसर सही है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, तुम्हारा उधर ही नक्की हो गया कि मेरे को 10 में से 10 आने वाला या नहीं आने वाला, तो कर देना मैच। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या चीज के लिए फेमस हो, जो मैच ना हो उसको कर दो। ऐसा ही तुमको सिखाया जाता है ना। मैं तो 12th स्टैंडर्ड का मैंने मैच, मतलब मैं अकाउंट्स को भी मैच ही बोलता हूँ क्योंकि मेरा तो अकाउंट्स बहुत पथेटिक था, तो मैं पहले दोस्त को पूछ लेता है बैलेंस शीट का फाइनल आंसर क्या रहा है, बोल मैं कुछ भी करके जुगाड़ करके लेके आता हूँ। अब आप बोलोगे ये गलत है, लेकिन आप भी तो यही करते हो, क्लाइंट को पहले पूछते हो क्या, सर सेल जे 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 ये टैक्स हरा, क्लाइंट बोलता है नहीं ये टैक्स का फिगर ला, अब कर ऊपर का एडजस्टमेंट ना। क्लाइंट बोलता है ये बैलेंस शीट में इतना एसेट इतना लायबिलिटी होना चाहिए, अब तू करके ला। मैं भी अपने चार्टर्ड को बोलता हूँ इतना टैक्स बजट है अपना, बाकी का एडजस्ट करो। सब सॉरी सॉरी ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, रिकॉर्ड ऐसा नहीं बोलता हूँ, नहीं नहीं मैं प्रॉपरली पे करता हूँ। समझा क्या पब्लिक? तो अपन अपने को प्रोफेशन नहीं सिखाया, पहले नीचे से शुरू करो, क्या चाहिए वो डिसाइड करो, उसको लाओ। तो तुम सब में भी ये अप्लाई करते हो। अभी देख जो लोग ना बहुत टाइम अटेम्प्ट देते हैं ना, बहुत टाइम, उनको पीएम के कुछ समय रट जाते हैं कि इसका आंसर कैसे रहने का पता नहीं, बट आंसर ये है उसका। ये पेज में अभी स्टूडेंट बार बार अटेम्प्ट देता है ना, तो उसको पता भी चल जाता है कि ये क्वेश्चन पीएम में वो ये वाले पेज पे राइट हैंड साइड पे उसका ये आंसर था। ऐसा हो जाता है खास करके आईपीसीसी ग्रुप टू वालों के साथ। तो पब्लिक क्या करता है, एग्जाम में पहले जाता है, वो आंसर देखा रहता है ना, अभी कैसे करने का पता है ना, पहले आंसर लिख देता है फिर मेहनत करके लेके आना है। ऐसा स्टूडेंट करता है और ऐसे तुमको लगता है पास हो जाता है। ऐसा कैपिटल बजटिंग में एक सम है, बैकवर्ड एरा और फॉरवर्ड एरा, सुना रहेगा आपने। कैपिटल बजटिंग में एक सम है ओल्ड कोर्स वालों को, बैकवर्ड एरिया और फॉरवर्ड एरिया, जहाँ पे उसको बैकवर्ड एरिया में प्रोजेक्ट करे तो उसको सब्सिडी वब्सिडी मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग सम है, आईपीसीसी में भी आता है फाइनल में भी, और वो सेम सम विथ ऑल सेम फिगर्स एवरी सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट रिपीट होता था।
आईपीसीसी में भी फाइनल में भी, आप कोई भी कोर्स का बुक करो किसी भी प्रोफेसर का, आपको वो सब मिलेगा, बहुत फेमस सम है। तो इतनी बार आता था ना कि स्टूडेंट को रट गया रहता था कि ये सब में करना क्या है। अब वो पूरा सम इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम जब पूछा था ना कुछ 2 साल पहले, पूरा सम सेम रखा था, लास्ट में टैक्स रेट 30% का 50% कर डाला था। अब स्टूडेंट क्या, अरे ये तो अपना बैकवर्ड फॉरवर्ड ही रहा, इसका आंसर ये आना चाहिए, लिख के डाल दिया। अब आंसर आ ही नहीं रहा क्योंकि दोस्त तू मिस आउट कर दिया, वो 30% टैक्स रेट वाला था, 50% टैक्स रेट। सो ऐसा इंस्टीट्यूट एक गूगली बीच में डाल देगा तो तुम रट के जा नहीं पाओगे। अच्छा नक्कल में भी अकल, बहुत सही। वाह, उसमें भी दिमाग लगाना पड़े तो उससे अच्छा इसमें पढ़ाई में लगाओ, लॉजिक में लगाओ। तो पब्लिक एमएनए इजी टफ क्वाइट इजी, आई मीन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द थीम दैट व्हाट द अक्वायरर वांट्स। वो आप अक्वायरर के दिमाग से जाओ कि भाई मेरे को ढूंढना क्या है सब में, मेरे को ये ढूंढना है कि टारगेट को कितना दे रहा हो, मेरे को कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर अप्रोच करो ना सबको कि किसको कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो सम बिकम्स क्वाइट इजियर। बाकी का एक चीज मैं बोलता हूं, सम कितना भी बड़ा आ जाए कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, फॉलो द इंफॉर्मेशन, प्लॉट द इंफॉर्मेशन। वंस यू स्टार्ट प्लॉटिंग द इंफॉर्मेशन ना, सम बिकम्स मच इजियर। कैपिटल बजटिंग में भी मैंने ये टेक्निक सिखाया जो आपको अभी कैपिटल बजटिंग का जो आप लेक्चर देखोगे उसमें भी क्या है कि जो लंबा लंबा प्रोजेक्ट है ना, मैं पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट उतार देता हूँ सब, जैसे एमएनए में भी सब इन्फॉर्मेशन उतार दो ताकि सब में वापस ना जाना पड़े, ताकि कुछ मिस आउट ना हो। और क्लियर पिक्चर तभी आएगा जब पूरा इन्फॉर्मेशन उतारोगे कि सब में भाई करना क्या, समझेगा नहीं वरना। अंडरस्टूड। चलो अब जो नेक्स्ट सम है पब्लिक, मेरे साथ में लिख के करना, बिकॉज जैसे मैंने बताया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ योर एंटायर एमएनए टिल नाउ। राइट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर नाइन एवरीवन, एएफसी लिमिटेड विशेस टू अक्वायर बीसीडी लिमिटेड। तो इधर ही मेरे साथ शुरू कर दिया रहेगा आपने आई होप। एएफसी कौन है पब्लिक? एएफसी अक्वायरर। एवरीवन, एएफसी इज अक्वायरिंग कंपनी एंड बीसीडी इज द टारगेट कंपनी। Everyone, right. AFC and BCD. हाँ, क्या क्या information दिया उसका? The shares issued by the two companies are 10 lakhs and 5 lakh respectively. तो मैं number of shares पहले लिख देता हूँ। Number of shares दे दिया मेरे को कितना? 10 lakh और कोई 5 lakh? 5 lakh shares. आपको बोला calculate increase in the total value of BCD public. Calculate increase in total value. इम्पैक्ट ही पूछा है, बीसीडी का वैल्यू कितने से बड़ा? सर बीसीडी का पहले कुछ वैल्यू रहेगा फिर बड़ा रहेगा, उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो, कॉस्ट ऑफ मर्जर बोलो, बेनिफिट टू टारगेट बोलो या इम्पैक्ट बोलो, एक ही चीज है। रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अब अपने को आगे कंडीशन में क्या क्या दिया जरा देखते। करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ बीसीडी 7% एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी कितना? 8% विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऐसा सब दिया हुआ है। किसके बारे में बात चल रही है? बीसीडी के ग्रोथ के बारे में बात चल रही है। कितना है सर पब्लिक बीसीडी का अभी ग्रोथ कितना है? 7% है मर्जर के पहले या बाद में? बीसीडी का ग्रोथ रेट के बारे में बात चल रही है। तो प्री मर्जर उसका ग्रोथ रेट कितना बोला है पब्लिक? 7% और मर्जर के बाद पोस्ट मर्जर कितना पब्लिक बोला है? 8%। एवरीवन विथ मी? 7 और 8। सर इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्राइस बढ़ जाएगा एवरीवन। और दूसरा गॉर्डन्स ग्रोथ यूज होने वाला है, मतलब पीईपीएस मत करना, समझा क्या? करंट मार्केट प्राइस शेयर ऑफ एएफसी दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बीसीडी दिया है। तो एएफसी का 100, बीसीडी का 20, वो अपन लिख देते। तो अपने को एमपीएस दिया हुआ है एएफसी का, एएफसी का दिया हुआ है कितना? 100 और बीसीडी का 20। इधर से मैं आगे बढ़ू उसके पहले आप ही मेरे को बता दो क्या कर सकते हो आप जो अपने को जरूरत पड़ेगा क्या चीज का पब्लिक? मार्केट कैप। तो जरा मार्केट कैप निकाल देते अपन, मार्केट कैप एम कैप इधर मैं लिख दूंगा 1000 lakhs और इधर 100 lakhs। एवरीवन आगे
एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ बीसीडी 0.6। पब्लिक बीसीडी का डी वन कितना दिया पब्लिक 0.6। अब मेरी बात अच्छे से सुन लो, आपके पीएम में ये क्वेश्चन है, सालों साल से पढ़ा हुआ और रिपीट भी किया हुआ है, बट क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, भले मतलब वहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइन नहीं है, वहाँ पे उन्होंने गलती से करंट डिविडेंड लिखा है, करंट उन्होंने गलती से करंट डिविडेंड लिखा है, बट मैंने यहाँ पे उसको एक्सपेक्टेड किया हुआ है क्योंकि उनके सोल्यूशन में डी वन लिया है उन्होंने। समझा क्या? सॉल्यूशन में डी वन लिया है बट उन्होंने इधर क्वेश्चन में गलती से एक्सपेक्टेड लिखा है। एवरीवन, सो इसके लिए अपना एक्सपेक्टेड डिविडेंड मैंने यहाँ पे करेक्टेड वर्जन लिखा हुआ है। ओके, अभी पब्लिक डी वन मेरे पास है, एमपीएस है और इधर पुराना ग्रोथ भी है, तो मैं एज पर गॉर्डन्स ग्रोथ अच्छे से लिखने का, आप इधर पहले वाले का क्या निकालोगे, के ही निकालोगे जरा निकालो पब्लिक, बीसीडी का प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर आपको प्राइस निकालने का है, तो पहले के ही निकालना पड़ेगा। डी वन कितना 0.6 अपॉन प्राइस दिया 20 प्लस 7% और उस पर पी 0.6 अपॉन माइनस 0.08, हाँ कितना पब्लिक 10% के ही और पब्लिक 0.6 डिवाइडेड बाय 0.02। अगर मर्जर हुआ तो ग्रोथ रेट चेंज होगा तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा, अभी 20 का 30 रुपये हो जाएगा। समझा क्या पब्लिक? अभी भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी भी इंफॉर्मेशन ही चालू है अपना। हाँ अभी सर पार्ट टू में मैं जाऊँ, उसके पहले पार्ट वन का अपन सॉल्व कर रहे थे। अभी पार्ट वन में क्या बोला था उन्होंने, कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन होने के बाद या पहले? बाद में। तो सर नया ग्रोथ रेट का इंपैक्ट डालूंगा मैं, तो सर अभी मैं बीसीडी का क्या है, उन्होंने बोला बीसीडी का वैल्यू ढूंढो, तो पहले अपन कॉस्ट ऑफ मर्जर के हिसाब से भी कर सकते हैं और अपने को पता अभी रिवाइज वैल्यू कितना हो गया पब्लिक 20 रुपया था और 30 रुपया हो गया, तो पहले अपन निकालेंगे। अगर उनको फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ कि बीसीडी का प्री मर्जर वैल्यू कितना था, तो प्री मर्जर वैल्यू लिख लेता हूँ, बीसीडी का प्री मर्जर वैल्यू और पोस्ट मर्जर वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, इंक्रीज इन वैल्यू। सो मैं इंक्रीज इन वैल्यू निकालू बीसीडी के लिए, तो बीसीडी का पहले वैल्यू कितना था पब्लिक, पहले उसके पास कितने शेयर थे, उसके पास 5 लाख शेयर थे, क्या रुपए वाले, 20 वाले, एवरीवन ये पहले वैल्यू, और अभी उसके पास कितना वैल्यू हो गया, अभी उसके 5 लाख शेयर को मैं क्या भाव पे वैल्यू करूंगा, 30 रुपए पे, बेसिकली उसको पर शेयर 10 रुपए का फायदा, तो उसको कितना 50 लाख, 50 लाख का उसको इंक्रीज इन वैल्यू पार्ट वन। एवरीवन, उन्होंने बोला बीसीडी के में वैल्यू इंक्रीमेंट कितना होगा 50 लाख। अब पार्ट टू जो काफी लंबा चौड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेट कंडीशन कैलकुलेट द गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स। पब्लिक गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स किस में, अर्निंग्स में या मार्केट कैप में? देखो अर्निंग्स होता भी है, मार्केट कैप भी होता है, और दोनों भी हो सकता है। अब क्या आपको अर्निंग्स का कोई इंफॉर्मेशन दिया है पब्लिक, और अर्निंग्स के बारे में कुछ डिस्कशन भी चला है क्या? पॉइंट नंबर वन नहीं। पॉइंट नंबर टू, चेंज किस में हो रहा है, ग्रोथ की वजह से मार्केट प्राइस में या एम कैप में, तो वो अपने को इनडायरेक्टली चाहते हैं कि आप इम्पैक्ट पे करो, एम कैप पे करो, आपके पास अभी तक अर्निंग्स का भी डिटेल है नहीं, सो बेसिकली दे वांट यू टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑन मार्केट कैप, दैट्स वेयर द चेंजेस गोना कम बिकॉज देयर इज नो अदरवाइज सिनर्जी इन अर्निंग्स। सो ऐसे क्वेश्चन में से मेरे को समझना पड़े। सो पब्लिक उन्होंने पार्ट टू में मेरे को पूछा है, आप हमको बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेट कंडीशन कैलकुलेट गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, इफ कंडीशन क्या, इफ एबीसी वर टू ऑफर 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ बीसीडी। मतलब क्या ऑफर कर रहा है उसको सर,
एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, एक्सचेंज रेशो क्या ऑफर कर रहा है, एक्सचेंज रेशो 1 share for every 4 share ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको क्या ढूंढने बोला है सर, आपको क्या ढूंढने बोला है, आपको क्या ढूंढने बोला है, इंपैक्ट कितना गेन और लॉस हुआ ना। सो सर मैं इंपैक्ट तो ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन अभी एक्सचेंज किस पे हो रहा है सर, एक्सचेंज शेयर्स पे। और वैल्यूएशन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करोगे सर आप, वैल्यूएशन के लिए आप यूज करोगे गॉर्डन्स ग्रोथ, समझा क्या पब्लिक, क्योंकि आपको डिविडेंड का इन्फॉर्म मतलब आपको कोई पी ईपीएस का इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया। आज तक अभी तक आप क्या करते थे, एक्सचेंज शेयर्स पे करते थे और वैल्यूएशन पी पे करते थे, यहां पे चेंज, एक्सचेंज किस पे होने वाला, शेयर्स पे, लेकिन लेकिन वैल्यूएशन गॉर्डन्स ग्रोथ पे। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक्सचेंज रेशियो आते ही अपना तो मीटर चालू हो जाता, अपन क्या क्या निकाल सकते हैं सर, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर निकाल दो, नंबर ऑफ शेयर्स टू टारगेट प्लस एग्जिस्टिंग शेयर्स विद अक्वायरर, तो अपने को आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर आपके पास आ जाएगा, एवरीवन इन द क्लास, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। आप टारगेट को कितना दोगे, 1:4, 1/4 इंटू टारगेट के पास है कितना, टारगेट के पास कितना शेयर है आपने ऊपर निकाला है, कितना शेयर है, 5 लाख शेयर है, सब उसको 5 लाख शेयर के हिसाब से कितना दोगे, हाँ 1.25 लाख शेयर्स। और अक्वायरर के पास कितने शेयर है सर, अक्वायरर के पास 10 लाख शेयर है, मर्जर के पास आपके पास 11.25 शेयर्स हो जाएंगे पोस्ट मर्जर। राइट, आइडियली अपन क्या करते थे, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालते थे, अभी नहीं निकालूंगा, अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं सीधा एम कैप निकालूंगा पोस्ट मर्जर, एम कैप निकालूंगा पोस्ट मर्जर। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देना, एम कैप में आप अभी ग्रोथ रेट कौन सा लोगे, ग्रोथ रेट कौन सा लोगे मर्जर के बाद 8% पे, और उसपे भाव अलग है, तो आप जो पुरानी कंपनी है उसका वैल्यूएशन क्या रखोगे सर, 1000 लाख मतलब 10 लाख शेयर इंटू 100, बट आप जो अभी कंपनी खरीदे उसके 5 लाख शेयर को आप उसका गिनती क्या करोगे सर, आप उसका 20 में गिनती करोगे या रिवाइज ग्रोथ पे 30 पे, 30 पे मैं उसका ग्रोथ रेट देखूंगा, मतलब जो रिवाइज ग्रोथ रेट है 30 के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, तब जाके मेरे को मेरी जो ये रिवाइज कंपनी उसका वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा पहले से, पहले का मार्केट कैप क्या था पता है, 1000+100 1100 था, अभी आपका बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा पब्लिक, कितना 11,150 lakhs। मैडम वो वापस से वही क्वेश्चन, उसको भी मैंने बोला, उसका भी आंसर दिया, पोस्ट मर्जर शेयर्स 5 लाख नहीं है, कंपनी का वैल्यू देखो, आप मैथ्स में मत जाओ, कंपनी का वैल्यू 100 लाख था पहले, क्योंकि आप 5 लाख शेयर को कितने पे गिन रहे थे, 20 पे। अब मेरे को पता है वो मर्जर के बाद उसका कीमत कितना होने वाला, 20 नहीं 30 होने वाला है, तो मेरे लिए 100 लाख की कंपनी 150 लाख की है, दैट इज व्हाट आई एम कंसीडरिंग। आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू गिव हिम 5 लाख शेयर्स, बट फॉर मी व्हाट वाज द कंपनी 5 लाख शेयर्स एट 100 रुपी, नाउ आई नो आफ्टर द मर्जर दैट 5 लाख शेयर्स विल बी एट द रिवाइज प्राइस 30, फॉर मी दैट इज 150 लाख का कंपनी नाउ, इफ देर इज सिनर्जी, देर इज सिनर्जी इफ द ग्रोथ रेट इंक्रीजेस, ग्रोथ रेट इंक्रीजेस आफ्टर द मर्जर, सो नाउ आई एम टेकिंग द रिवाइज ग्रोथ रेट इनटू कंसीडरेशन एवरीवन। सो नाउ ये मेरे पास मार्केट कैप आते ही मैं अभी एमपीएस निकाल सकता हूँ पब्लिक, एमपीएस पोस्ट मर्जर निकाल सकता हूँ पब्लिक, तो जरा एमपीएस निकालोगे आप तो आपके पास 1150 लाख और शेयर्स कितना है 11.25, तो आपके पास पोस्ट मर्जर एमपीएस आ जाएगा एवरीवन, क्या 102.22। अब जो उन्होंने बोला है शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ कि नहीं वो निकालो, वो तो मैं निकालने जा रहा हूं, बेसिकली अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑन एमपीएस या मैं एम कैप बोलूं, लेकिन पहले पूरा क्लास अभी मेरे को इधर बैठे बैठे बता सकता है दोनों को मिल के एक्स्ट्रा फायदा कितना, मेरे को पूरा क्लास से आंसर चाहिए, दोनों को मिल के पहले कितना था सर 1150, अब देखने वाली बात यह है कि ये 50 वन साइड जा रहा है कि दोनों में बट रहा है, समझे क्या, वन साइड जा रहा है या दोनों में बट रहा है, वो अपने को देखने वाली बात है।
हाँ तो सर मैं करूंगा वापस से वही प्री मर्जर पोस्ट मर्जर, एवरीवन गेन लॉस निकालूंगा मैं प्री मर्जर पोस्ट मर्जर। सो प्री मर्जर पोस्ट मर्जर जो गेन लॉस आएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर वो टोटल गेन लॉस। उसमें नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को पता है पहले कितने थे सर इसके पास, इसके पास 10 लाख शेयर्स थे और इसके पास 5 लाख शेयर्स। प्री मर्जर अक्वायरर का और टारगेट का, अक्वायरर का और टारगेट का अपन भाव डाल देते हैं। कितना था अक्वायरर का प्राइस, अक्वायरर का प्राइस था पब्लिक 100 रुपये और 20 रुपये। मर्जर के बाद मर्ज एंटिटी का भाव कितना हो गया सर 102.22, इसको भी 102.22 लेकिन एक शेयर के बदले मतलब चार शेयर के बदले एक शेयर, तो 102.22 डिवाइडेड बाय 4 कितना मिलेगा पब्लिक उसको 25.55, तो इसको 5.55 और इसको 2.22 समझा क्या। अब देखना द आर्ट ऑफ जुगाड़, दोनों मिलके कितना होना चाहिए 50 लाख। तो सर आप वहां पे कितना लिख रहे हो 5.55 इंटू 5 करो, कितना लिख रहे हो 5.55 इंटू 5 7.75 ना। हाँ पब्लिक उसको 27.75 का, अगर इसको आप 22.20 लिखते हो तो इसको 27.80 कर देना, दोनों मिलके 50 होना चाहिए और राउंडिंग ऑफ का फर्क है और कुछ नहीं। जो भी जिसको भी जैसे भी एडजस्ट करो इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं काटने वाला, समझा क्या एवरीवन राइट। 50 ही होना चाहिए था। ये निकाला अपन ने पार्ट टू जहां पे एक्सचेंज किस पे था पब्लिक शेयर्स पे और वैल्यूएशन गॉर्डन्स ग्रुथ पे, दोनों को फायदा एवरीवन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्वेश्चन में उन्होंने पार्ट थ्री दिया नहीं बट एक्चुअली वो पार्ट थ्री है अभी, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे जब क्वेश्चन डाला था तो उन्होंने दिया नहीं, मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ पार्ट थ्री, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या दिया था कंपनीज कैलकुलेट गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स, कैलकुलेट गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज इफ AFC लिमिटेड पेस कितना 22 फॉर ईच शेयर। पब्लिक अभी क्या दे रहे हो कैश, अज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ AFC डज नॉट चेंज आफ्टर मर्जर पब्लिक। अब अगर मैं लिखने जाऊं पब्लिक पार्ट थ्री, जरा इंटरेस्टिंग चीज देखना, अभी एक्सचेंज किस पे हो रहा है कैश पे और वैल्यूएशन किस पे पब्लिक पी बेस्ड पे। सर 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 इसके पहले के समय आपने क्या किया और अभी क्या हो रहा है मैं फर्क बताता हूं। इसके पहले के समय आपने कैश पे एक्सचेंज किया लेकिन उसको शेयर्स दिया बराबर, कैश पे एक्सचेंज करके सॉरी उसको गॉर्डन्स ग्रोथ पे वैल्यू किया, ये सब में इट्स अ मिक्सचर। उसके पहले क्या करते थे आप एक्सचेंज शेयर्स पे करते थे और पी पे वैल्यू करते थे, इधर एक्सचेंज शेयर्स पे भी किया विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ और अभी कैश पे एक्सचेंज कर रहा हूं विद अ पी बेस्ड। सर क्या फर्क पड़ता है मैं वैल्यूएशन गॉर्डन्स ग्रोथ पे करूं या पी बेस्ड करूं, मैं एक्सचेंज कैश पे करूं या मैं एक्सचेंज शेयर्स पे करूं, आई जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, अब लेकिन आप ये भूलना मत अभी एक्सचेंज कैश पे करने का है तो सर अभी उसको सामने देने क्या वाले शेयर्स तो नहीं देने वाले, तो अपन उसको क्या देने वाले सामने सर उसको कैश देने वाले, तो जरा अपन कितना कैश देंगे उन्होंने बोला है कितना कैश देने का? उसको अपन देने वाला कितना 22 पर शेयर। पब्लिक उसके पास कितना शेयर है जरा देखो, उसके पास कितना शेयर है 5 लाख शेयर है, तो अपन उसको पर शेयर 22 देने वाले। तो क्या मैं निकाल सकता हूं अपना कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा मैं निकाल सकता हूं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ मर्जर जो भी आप उसको बोलो, उसको 5 लाख शेयर देने वाले हो, 5 लाख शेयर मतलब उसको 5 लाख शेयर के सामने 22 रुपया देने वाले हो आप, जबकि भाई का कीमत कितना है कंपनी का, उसके पर शेयर का कीमत कितना है, उसका 5 लाख शेयर का 20 रुपये, आपको 2 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो पर शेयर पे, तो उसको कितना एक्स्ट्रा जा रहा है सर 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है एवरीवन। और क्वेश्चन में आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ ईपीएस ऑफ AFC मतलब अक्वायरर का ईपीएस दिया है 8
एंड बीसीडी का 2.5, तो पब्लिक अब आया है ईपीएस मार्केट में, तो मैं ईपीएस का इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, किसका एएफसी का भी दिया हुआ है और बीसीडी का मेरे को ईपीएस दिया हुआ है, तो मैं ईपीएस लिख लेता हूँ दोनों का। ईपीएस कितना कितना बोला है पब्लिक, ईपीएस एएफसी का, एएफसी का 8 और इसका 2.5, राइट एवरीवन? सर 8 और 2.5, और आई नो मेरे पास क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन देखो आपको उन्होंने पी रेशो यूज करना है। सर पी रेशो यूज करने के लिए मेरे को देखना क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है पोस्ट मर्जर अक्वायरर का जो पी है वही रहेगा, और पी तो दिया नहीं था, तो मैं जरा वापस से एमपीएस कितना था जरा देखो पब्लिक, एमपीएस कितना था दोनों का, कितना था 100 और 20 मर्जर के पहले ना, तो मर्जर के पहले का जरा पी रेशो निकाल लेते अपन। पी रेशो कितना था सर इसका, 100 डिवाइडेड बाय 8 12.5, और इसका 20 डिवाइडेड बाय 2.5 करो 8। बोला क्या है मर्जर के बाद अक्वायरर का पी रेशो, जो अपने को पहले भी पता है क्या रहेगा पोस्ट मर्जर का पी रेशो क्या लगेगा, सर सेम लगेगा जो पहले था। सो सर अभी अपने को उन्होंने बोला कैश देने का है, तो मर्जर के बाद क्या हो जाएगा वो पहले सिनारियो देखने का। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है, इट इज अज्यूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अज्यूम दैट द इन्वेस्टर मतलब एएफसी इन्वेस्ट इट्स कैश टू अर्न 10%। क्या है 10%? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 10% भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, किधर वो देखना पड़ेगा। सो अभी अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे मैं क्या निकालने वाला हूं, मेरे को पी रेशो यूज करना है पब्लिक, पी रेशो यूज करने का है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद मैं देखूंगा पोस्ट मर्जर क्या पैट क्या होता है, पैट क्या होता है मर्जर के बाद मैं पहले देखूंगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालूंगा पोस्ट मर्जर। तो पहले कितना था सर, 8 रुपए का अर्निंग्स इंटू कितने शेयर से, कितने शेयर से, कितने शेयर से, 10 लाख एवरीवन, 8 रुपए का ईपीएस इंटू 10 लाख शेयर से ना अक्वायरर के, और इसके 2.5 का ईपीएस इंटू उसके पास कितने शेयर से पब्लिक, 5 लाख। तो जरा निकालो पोस्ट मर्जर पैट कितना आएगा पब्लिक, पोस्ट मर्जर पैट, वो जितना भी आएगा उसको मैं अगर डिवाइडेड बाय करूं मर्जर के बाद, वेरी 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 क्रूशियल। लेकिन सर ये अगर आप पोस्ट मर्जर निकाल रहे हो तो क्या ये फिगर सेम ही रहेगा क्या, आप उसको कुछ दे रहे हो ना पैसा, आप उसको पैसा दे रहे हो, उस पे 10% आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आप उसको कैश दे रहे हो, वो 10% लाओगे किधर, या तो खुद का डालोगे या तो मार्केट से डेट लेकर आओगे। So, वो क्या हो जाएगा सर, वो 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे प्रॉफिट से कट हो जाएगा। सो अब जब मैं पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालूंगा पब्लिक, जब मैं पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालूंगा तो मर्जर के बाद ये जो फंडिंग कर रहा हूं मैं, कितने का फंडिंग कर रहा हूं मैं, इसको कितना पैसा दे रहा हूं ये भाई को, इसको कितना पैसा दे रहा हूं, ऊपर लिया ना अपन ने, कितना दे रहे अपन उसको पैसा, उसको 5 लाख × 22 10 लाख तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, 110 लाख दे रहे हैं बराबर। 110 लाख पे मैं मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो प्रॉफिट में से जाएगा, 110 लाख पे कितना परसेंट बोला उन्होंने, 10% भी तो मेरे को डिडक्ट करना पड़ेगा ये बार ईपीएस में से, दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट। क्यों उन्होंने दिया, वो लास्ट लाइन नहीं दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, इग्नोर कर देता। सर अगर आप ये डेट से लेकर आए, सुनना मेरी बात अच्छे से, अगर ये पैसा डेट से आता, डेट से तो मैं 110 लाख रुपया उसको कैसे देता, बोरो करता, उसमें 10% इंटरेस्ट भरता और टैक्स रेट दिया रहता तो पोस्ट टैक्स ले लेता। अभी टैक्स रेट दिया नहीं है तो मैं 110 पे 10% अज्यूम करो, टैक्स कंसीडर नहीं कर रहता तो 1-T करता। समझा क्या पब्लिक, डिवाइडेड बाय द मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट्स वेयर योर लॉजिक शुड प्ले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करूंगा तो मेरे पास ईपीएस आएगा। सुनना पब्लिक, पहले ईपीएस आएगा, ईपीएस फिर मैं क्या करूंगा सर, पी रेशो कौन सा लूंगा, अक्वायरर का पी रेशो क्या लूंगा मैं, जो अभी निकाला मैंने 12.5 करूंगा, फिर उसके ऊपर जो अपना पहले राम कहानी अपन करते थे, फिर क्या करूंगा एमपीएस करूंगा पोस्ट मर्जर, फिर मैं एमकैप निकालूंगा पोस्ट मर्जर एवरीवन, वही नंबर ऑफ शेयर्स करके, और फिर यही चीज को मैं इंपैक्ट से तो देखूंगा। तो इंपैक्ट कैसे निकालूंगा पहले, वो बाकी सब अपन बाद में करेंगे। इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन एमपीएस या एमकैप एवरीवन, जरा बताओ मेरे को इंपैक्ट में वापस से क्या लोगे पब्लिक, वापस से प्री मर्जर पोस्ट मर्जर। सो मैं ले लेता हूँ, कोई कुछ कैलकुलेट मत करना अभी, प्री मर्जर पोस्ट मर्जर गेन लॉस इनटू नंबर ऑफ शेयर, टोटल गेन लॉस आने वाला है, वही सिचुएशन, प्रोसेस छोड़ना मत, बीच में जो चेंज हो वो ठीक है।
ये मैं लेने वाला हूँ किसका पहले, अक्वायरर का और टारगेट का। तो मैं अक्वायरर का और टारगेट का, अक्वायर और टारगेट का प्री मर्जर प्राइस क्या था सर? मर्जर के पहले क्या प्राइस था दोनों का? 100 और 20। अब पोस्ट मर्जर क्या प्राइस होगा? ऊपर से मेरे का, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले इसके पास कितने थे सर? उसके पास कितने थे? 10 लाख शेयर्स और इसके पास 5 लाख। अब आता है इंटरेस्टिंग चीज, ईपीएस कैसे निकालूं? मैंने दोनों का पैट क्लब कर दिया, माइनस जो एवरी ईयर जाएगा वो माइनस कर डाला, प्रॉफिट में से जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। बताओ पब्लिक कितना? नंबर ऑफ शेयर बताओ क्या? 10 लाख। और टारगेट का? टारगेट को तो शेयर्स ही नहीं दिया, कैश दिया। टारगेट को शेयर्स किधर दिया मैंने? कैश दिया, तो भाग गया, कैश देके उसको निकाल दिया। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। आप जनरली क्या करते थे, उसको कुछ शेयर इशू करते थे, वो ऐड करते थे ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या रहेगा मर्जर के बाद? मर्जर के बाद सिर्फ अक्वायरर का ही रहेगा, टारगेट को तो कैश देके रवाना कर दिया। समझा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? निकालो अभी पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस एट पॉइंट वन फाइव इंटू पी रेशो करो 12.5, 10.1 पॉइंट राउंड फिगर आ रहा है ना कुछ 875। तो 875 पूरा ले लेता हूं ना ताकि एग्जैक्ट राउंड फिगर आए। अब सर आप मार्केट कैप निकालने जा रहे हो, नंबर ऑफ शेयर कितना रखोगे सर? नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, दैट इज 1018.75 लाख। क्यों? क्यों? मर्जर के बाद तो सिर्फ अक्वायरर के शेयर्स बचेंगे, बराबर ना? अभी सुनो सुनो, इंपैक्ट निकालने चाहो उसके पहले आप मेरे को आंसर चाहिए। इंपैक्ट निकालने से पहले आंसर चाहिए। पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना था? पहले कंपनी का दोनों का मिलके मार्केट कैप कितना था? 1100 लाख। अभी कितना हो गया सर? 1100 लाख का, 1100 लाख का सिर्फ 1018 हो गया, कम हो गया। कुछ तो देखना पड़ेगा क्या हो गया, सुनना अच्छे से। अब पोस्ट मर्जर क्या प्राइस हो गया सर? पोस्ट मर्जर प्राइस कितना? शेयर प्राइस कितना हो गया? अभी निकाल लेना तुम, 101.875। सर इसको टारगेट को कितना? 101.875 नहीं, उसको तो 22 रुपए दे दिया, उसको तो 22 रुपए कैश दिया, समझे क्या? तो आपको गेन कितने का हुआ सर? अक्वायरर को कितने का गेन हुआ? अक्वायरर को 1.875 इंटू 10 करोगे तो 18.75। देखो देखो देखो, नोटिस करो, 1000 लाख का अक्वायरर का था वो 1018.75 हो गया। नहीं नहीं, पूरा उसको नहीं गया, टारगेट को भी तो फायदा हुआ, 2 लाख का, 2 रुपए का पर शेयर इंटू 5, 10 लाख का। अब आप बोलोगे सर टारगेट को कैसे फायदा हुआ? सर देखो कॉस्ट ऑफ मर्जर, लेकिन वो मार्केट कैप में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप में अभी सिर्फ अक्वायरर के ही शेयर्स रहेंगे ना, टारगेट तो निकल गया। अंडरस्टूड? ऐसे कनेक्ट करो तो मजा है। एवरीवन आई रिपीट अगेन, आपको इधर कॉस्ट ऑफ मर्जर से 10 लाख मिल गया था टारगेट को। सर टारगेट को 10 लाख मिला बट नए एंटिटी में टारगेट रहेगा ही नहीं, तो उसका फायदा 10 लाख है बट नए एंटिटी में वो रहेगा नहीं, इसीलिए तो पोस्ट मर्जर मैंने शेयर्स नहीं लिए, उसको कैश दिया। समझा? लेकिन अक्वायरर का पहले मार्केट कैप कितना था? 1000 लाख। और मर्जर के बाद कितना हो गया सर? मर्जर के बाद आपने यहाँ पे मार्केट कैप 1018.75, किसका मार्केट कैप है? सिर्फ अक्वायरर का, क्योंकि टारगेट तो है ही नहीं अभी नई कंपनी में। सो ये क्या हो गया सर? उसको 18.75 लाख का गेन। क्या बोलते हो, कैसा है सम? बट सब जगह से कनेक्ट करके देखो। एवरीवन सर एक बात सुनना, जब अभी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, उसको 77% स्टेक के लिए $16 बिलियन दिया। अब $16 बिलियन अगर शेयर्स दिया रहेगा तो नई कंपनी में जो मार्केट कैप होगा उसमें $16 बिलियन पड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? सोचो, इंटरेस्टिंग थिंग। मेरा क्वेश्चन को समझो अच्छे से, जो इससे रिलेटेड है, फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए किसने? वॉलमार्ट ने। अभी मर्जर के बाद क्या हो जाएगा? वॉलमार्ट ही रहेगा ना, फ्लिपकार्ट चलो भले वो अलग एंटिटी बट फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का हिस्सा हो जाएगा।
अभी वॉलमार्ट के जो मार्केट कैप है उसमें 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 पब्लिक अच्छे से सुनना, उसमें ये जो उसको दे रहा है $16 बिलियन, अगर उसने शेयर्स दिया है उसको उसको, तो वॉलमार्ट के मार्केट कैप में रहेगा या निकल जाएगा? एवरीवन, क्योंकि उसको जो शेयर इश्यू किया है वो मार्केट कैप तो कंपनी में ही रहेगा जैसे अभी आपने नोटिस किया, लेकिन कैश दिया रहेगा तो निकल जाएगा, शेयर प्राइस गिरना चाहिए। वॉलमार्ट का शेयर प्राइस गिर गया था आफ्टर मर्जर, वॉलमार्ट का शेयर प्राइस गिर गया था आफ्टर मर्जर, पब्लिक सोचा था अरे लॉस हो गया, अरे लॉस नहीं हुआ, उसको कैश दिया इसके लिए कंपनी से मार्केट कैप गिर जाएगा, मार्केट कैप निकल जाएगा, मार्केट कैप निकल जाएगा। तो सर मार्केट कैप निकल जाएगा तो शेयर प्राइस तो गिर जाएगा ना आपका। अब नेक्स्ट टाइम जब मर्जर हो और शेयर प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसके पीछे पब्लिक सेंटीमेंट तो हो ही सकता है क्या कि अच्छा होगा नहीं होगा, वो पब्लिक का परसेप्शन, लेकिन एक टेक्निकल सेंटीमेंट, टेक्निकल एडजस्टमेंट क्या होगा, इट डिपेंड्स वेदर द मर्जर इज हैपनिंग इन कैश और शेयर्स। इफ इट्स हैपनिंग इन शेयर्स टेक्निकली देर शुड बी नो इंपैक्ट ऑन द मार्केट कैप ऑफ द मर्ज एंटिटी, बट इफ इट्स हैपनिंग इन कैश दैट मनी विल गो आउट ऑफ द कंपनी एंड द प्राइस हैज टू कम डाउन। समझा क्या एवरी वन द क्लास, दिस इज हाउ इट इज, राइट? ठीक है, मजा आ जाए सम कर रहे में। नंबर ऑफ शेयर्स है इधर अर्निंग्स में, पोस्ट मर्जर में आना नहीं चाहिए इधर, क्योंकि सिर्फ अक्वायरर का रहेगा, और दोगे क्या उसको शेयर्स नहीं, कैश दे रहे हो, दोनों को फायदा, उसको कैश मिल गया वो निकल गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, यहां पे देखो मैंने पोस्ट मर्जर ईपीएस में ये एडजस्टमेंट किया हुआ है कैश का, और नीचे 10 लाख को हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ अक्वायरर के शेयर्स रहेंगे सॉल्यूशन में। पोस्ट मर्जर एमपीएस निकाला है, और यहां पे भी देखो मैंने टारगेट वाले को हाईलाइट किया हुआ है। राइट, एनीवन एनी डाउट ऑन दिस? दिस इज वन सम विच यू शुड डेफिनेटली राइट एंड डू इट, मजा आ जाए इसके अंदर, है ना। वैल्यूएशन में अब तक आपने जो तीन चीजें किया ना, तीन चीजें पब्लिक क्या किया आपने, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन गॉर्डन्स ग्रोथ या पी रेशो दोनों आ गया, और एक्सचेंज ऑन कैश या शेयर्स दोनों आ गया, और उसका इंपैक्ट एमकैप पे इंपैक्ट, ये कितना भी फाड़ू सम हो बट फिर भी सब टैली हो रहा है, और होना ही चाहिए ना, वही तो है मर्जर। बोल बोल दोस्त, कुछ डाउट बोलना, शर्मा मत। मार्केट कैप या प्राइस, मार्केट कैप भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा, किसका? अक्वायरर का है, क्योंकि मर्जर के बाद सिर्फ अक्वायरर ही है कंपनी में। क्या मार्केट कैप कम हो जाएगा दोनों को ऐड करूं तो? अभी होना क्या चाहिए था समझ, फ्लिप वॉलमार्ट अगर 1000 करोड़ की है, फ्लिपकार्ट 100 करोड़ का है, तो दोनों का मिलके 1100 करोड़ होना चाहिए ना, वो 1100 करोड़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको मैंने कैश दे दिया, और दोनों का मिलके अगर मैं एक्सचेंज शेयर्स पे करूं तो मार्केट प्राइस अभी डिपेंड करता है, अगर तुमने एक्सचेंज, तुमको पता है अभी तुमने एक्सचेंज फेयरली नहीं किया तो शेयर प्राइस बढ़ना भी चाहिए, यहाँ पे जरूरी नहीं बढ़े, बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, अब वो अगेन डिपेंड करता है आपने उसको कितना कैश दिया, कितना शेयर्स दिया उस पर। बट पोस्ट मर्जर जो एंटिटी है वो 1000 करोड़ 1100 करोड़ नहीं होगा। अब वॉलमार्ट के केस में, वॉलमार्ट के केस में उसका शेयर प्राइस गिरने का एक और बड़ा कारण है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं उसने बहुत हाई वैल्यू पे दिया, उसको बहुत ज्यादा कैश दे दिया, उतना सिनर्जी नहीं निकाल पाए, तो सो वॉलमार्ट को लग रहा है मैं निकाल पाऊंगा सिनर्जी, इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा। सो इसीलिए वॉलमार्ट के केस में तो शेयर प्राइस गिरने के पीछे सेंटिमेंट भी कारण है, यहां पे तो चलो शेयर प्राइस मर्ज एंटी मतलब सिर्फ वॉलमार्ट का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, बट वॉलमार्ट का शेयर प्राइस बढ़ा नहीं, गिरा, और वो बढ़ना चाहिए था, उसके पीछे का रीजन ऑफकोर्स क्योंकि फ्लिपकार्ट से कुछ वैल्यू आया रहेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट उसने ओवर प्राइस दिया रहेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। मतलब तू यहाँ पे अपने सम में देखेगा ना, सम में दोस्त यहाँ पे अगर ये 110 का, ये देख ये 110 लाख दिख रहा है, ये 110 का 210 लाख देता तो उसको, तो तेरा पोस्ट मर्जर ईपीएस कम आता,
इनटू पी रेशो करता तो एमपीएस और कमाता, तो नीचे भी जा सकता है, समझे क्या? तो कारण क्या है नीचे जाने का वॉलमार्ट के केस में, भाव वॉलमार्ट का, क्योंकि वो जो देना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा दे दिया। अब वॉलमार्ट क्यों दे रहा था, तुम सब में देखो, नोटिस करो, क्योंकि ये सब में क्या किया था उसने, अज्यूम किया था ग्रोथ रेट 6-8% होगा या 6-7% होगा। अब उतना नहीं हुआ तो तुमको पैसा तो आज दे देने का उसको, और वैल्यू तो फ्यूचर में जनरेट होने वाला है। इन्वेस्टर क्या बोल रहे, तुमने जितना पैसा दिया उतना शायद फ्यूचर में आने नहीं वाला है, तुमने बहुत ओवर प्राइस दे दिया। सो इन्वेस्टर्स नाराज है, बट वॉलमार्ट क्या बोल रहा है, भाई मैं क्या करूं, सब ई कॉमर्स कंपनी को खा रहे, मेरे पास कोई ई कॉमर्स है बट मेरा इतना चल नहीं रहा है ई कॉमर्स, और अमेजोन बहुत आगे पड़ा है, और तुमको लंच पे जा रहे हो, लेकिन मैं तुमको सीन बता देता हूँ, चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, वॉर पूरी दुनिया में, वॉर में बताता हूँ क्या चल रहा है। हाँ, इंडिया में जरा मेरे को क्विकली ई कॉमर्स कंपनीज बोलो, ये जो एग्रीगेटर्स है ई कॉमर्स, एक एक बोलो मेरे को। फ्लिपकार्ट, सुनना, फ्लिपकार्ट ये ई कॉमर्स वाला, खास करके जो ये गुड्स वगैरह बेचता है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, स्नैपडील, पेटीएम, और कोई ईबे, ये जरा बड़ा बड़ा कंपनी, बराबर, राइट, और अमेजॉन सामने। मैं बोलू कॉर्पोरेट में वॉर किसके बीच में, दो ही कंपनी के बीच में, मैं नाम बोलता हूं, दो कंपनी इधर है, क्या अभी आपको पता चलेगा। फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट इज बाय द वे नाउ द ओनर ऑफ फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मिंत्रा, जबोंग एंड ईबे इंडिया, ये सब फ्लिपकार्ट का है। तो फ्लिपकार्ट में ये मिंत्रा, जबोंग, ईबे, फ्लिपकार्ट में स्टेक किसका सबसे बड़ा है, सॉफ्ट बैंक का था, अभी वॉलमार्ट का हो गया, पहले किसका था, सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक इज अ जापानीज का बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड द रिचेस्ट पर्सन, मासा सोम उसका नाम है, सो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, मासा याशी ऐसा कुछ नाम है, मासा सोम, वो बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया। अब दूसरा चीज सुनना, स्नैपडील में और पेटीएम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया किसने, अलीबाबा, जैकमा, और अलीबाबा में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक। इन शॉर्ट, वेदर यू लाइक यू डोंट लाइक, द एंटायर ई कॉमर्स इज ओन्ड बाय चाइनीज कंपनी अलीबाबा। आप दिवाली में जितना फटाका बंद करना है बंद करो, लेकिन बाकी सब ई कॉमर्स वाला क्या किसका बाय कर रहे हो, अलीबाबा का, क्योंकि उसका सब में स्टेक है। अब चाइनीज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है ना, उससे बड़े दुश्मन पहले से चाइनीज और जापानीज है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज किया था चाइना पे, नानकिन करके एक जगह है जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा रेप्स किए थे। सो इट इज सेड दैट द वर्स्ट फेज ऑफ चाइना वॉज वेन जापान कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो उनको बहुत बड़ा दुश्मनी है जापानीज वालों के साथ, लेकिन सर दुश्मनी तेल लेने गया, पूरी चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा को, ई कॉमर्स को, किसके कौन है उसका ओनर, जापानीज वाला। इन शॉर्ट, इंडिया का पूरा ई कॉमर्स चाइनीज और जापानीज, बराबर, यही तो दुनिया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी दो ई कॉमर्स कौन सी है पता है, अलीबाबा एंड अमेजॉन, दो ही। तो इंडिया में भी वही चल रहा है, ये पूरा सब रेस क्या चीज का, अलीबाबा और अमेजॉन, अमेजॉन यूएस और चाइना, यही दो के बीच में तो वॉर चल रहा है। अब फ्लिपकार्ट का तो चलो, ये अलीबाबा, फ्लिपकार्ट में तो सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टर है एंड ऑल दिस इज हैपनिंग, और दूसरे सारे भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स है। वॉलमार्ट को ये लगा कि मैं ई कॉमर्स के रेस में से रह गया, वॉलमार्ट इज द जायंट, वॉलमार्ट बोल रहा मैं तो इतना मेहनत करके बेच रहा हूं, अमेजॉन मेरे से बड़ा कंपनी बन गया, तो अभी वॉलमार्ट क्या करे, उसका खुद का ई कॉमर्स उसने चालू किया हुआ है, बट वो इतना हिट नहीं है इनके सामने। सो नाउ वॉलमार्ट रियलाइज दैट आई विल हैव टू मेक अ बिग जंप, सो इट इज ऑलरेडी ऑन अ बाइंग स्प्री ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ स्मॉल ई कॉमर्स कंपनीज। उसमें उसको लगा सबसे बड़ा हिट फ्लिपकार्ट है, चल फ्लिपकार्ट को बाय करता हूँ, स्नैपडील को, सॉफ्ट बैंक को और अलीबाबा को बोला तुम्हारा स्टेक बेच दो मैं खरीद लेता हूँ। अलीबाबा ने बोला कि ठीक है मेरा तो स्टेक नहीं है, सॉफ्ट बैंक का है। सॉफ्ट बैंक बोला ये ले ले मेरा स्टेक निकल जा, मैं तो इन्वेस्टर हूँ। अब अलीबाबा का पेटीएम में इन्वेस्टमेंट और स्नैपडील में इन्वेस्टमेंट है, तो अलीबाबा ने बोला कि भाई स्नैपडील और फ्लिपकार्ट मर्ज हो जाओ यार, अच्छा है, बट उनका डील सही नहीं हुआ, उनका डील नहीं गो थ्रू हुआ। अब होने क्या वाला है सर, इधर भी वही होने वाला है ई कॉमर्स में, ये छोटा छोटा ई कॉमर्स कंपनीज है
या तो बंद हो जाएगा या तो उनको गठबंधन करना पड़ेगा। क्यों? वरना कहां से डील कर पाएंगे अमेजॉन के साथ? अमेजॉन कैश रिच कंपनी है। अभी फ्लिपकार्ट अमेजॉन को टक्कर दे रहा है, बट जब तक फंडिंग नहीं मिलते रहेगा तब तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सो फ्लिपकार्ट को रोज का टेंशन है कि नया फंडिंग आएगा तो अपन अमेजॉन का, अमेजॉन तो वो जेफ बेजोस बहुत सारा पैसा डाल के रखा क्योंकि उसके लिए अभी सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। सो अमेजॉन ट्राइड यू नो मेकिंग अ बिग मार्केट फ्रॉम चाइना, इट डिड नॉट वर्क। चाइना में उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अभी फ्लिपकार्ट वाले बाय द वे सचिन एंड बिन्नी बंसल द एक्स ओनर्स आई शुड नाउ से बिकॉज दे बोथ हैव बीन रिमूव्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दे वर ऑल्सो वर्किंग विद अमेजॉन एज एन इंटर्न्स इन 2007, देन दे स्टार्टअप विद देयर ओन कंपनी। नाउ व्हाई डिड अमेजॉन डिड नॉट वर्क इन चाइना और इंडिया इनिशियली एंड फ्लिपकार्ट वर्क? बिकॉज ऑफ देयर रिवोल्यूशनरी थिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीओडी। क्या है सीओडी? कैश ऑन डिलीवरी। तो चाइना में हिट नहीं हो पाया अमेजॉन, लेकिन फ्लिपकार्ट इंडिया में हिट हो गया। बट जब अमेजॉन ने एंट्री मारा तो आज अमेजॉन का जो सेल्स है, ग्रोथ है, वो फ्लिपकार्ट जितना हो गया लेट एंट्री के बावजूद। नाउ ये फ्लिपकार्ट को तो डर लग ही रहा था, इसके लिए फ्लिपकार्ट तो स्टेक बेचने ही वाला था और वॉलमार्ट को भी एंटर करना था इसके लिए, बट वॉलमार्ट को जरूरत ज़्यादा था, उसके लिए ई कॉमर्स हाथ से जा रहा था, इसलिए वॉलमार्ट ने चढ़ के भी भाव दे दिए। वो फ्लिपकार्ट के ओनर्स को अच्छा हो गया, अच्छी तरह अपन लोग निकल जाते हैं। वो सचिन बंसल पहले ही निकल गया, बिन्नी बंसल बोला मैं रहता हूँ, फिर कुछ तो उसका पुराना सेक्सुअल मिसकंडक्ट का केस आया और उसको निकाल दिया या निकल गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट नाउ वॉलमार्ट इज द ओनर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड इट डजंट हैव टू डील विद द पीपल हु स्टार्टेड इट। सो ऐसा है। एनीवे आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट हाउ द एंटायर ई कॉमर्स इज नाउ फोकस बिटवीन चाइनीज एंड यूएस कंपनीज एंड जस्ट सी द ग्लोब। द ग्लोब इज ऑल्सो बिटवीन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बिटवीन दीज टू कंट्रीज, चाइनीज एंड अमेरिकन। सो आई ऑलवेज से इट्स अ वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका बट अ डिफरेंट प्लेस। इट्स एन ई कॉमर्स वॉर राइट नाउ इन इंडिया। सो मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज विल बी इधर बॉट बाई चाइनीज और अमेरिकन, दैट इज वॉट इज गोन हैपन। सो कमिंग टू आर डिस्कशन, यहाँ पे वॉलमार्ट ने बहुत ज़्यादा भाव दे दिया क्योंकि उसको ई कॉमर्स उसके हाथ से जा रहा था, इसके लिए वॉलमार्ट का भाव गिर गया वहाँ पर। समझा क्या पब्लिक? ठीक है चलो, इसमें पेटीएम को फायदा हो गया। पेटीएम को क्या फायदा हो गया? वॉरेन बफे ने स्टेक ले लिया, तो वो विजय शेखर शर्मा तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका हालत वैसे ही टाइट हो गया था। किसकी वजह से? उसको सबसे बड़ा एडवांटेज कब हुआ? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। लेकिन उसका हालत टाइट गवर्नमेंट नहीं किया, कैसे? भीम ऐप से, और जो पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस था वो उसको बाकी लोग को भी मिला, म्यूचुअल फंड का भी एक्सेस उसको मिला, सबको मिला। सो अभी जो ये इसमें फेसबुक भी अभी एंटर हो रहा है, गूगल भी एंटर हो गया तेज, गूगल का और फेसबुक थ्रू व्हाट्सएप, इट्स एंटरिंग दैट व्हाट्सएप सर्विस ऑफ पेमेंट्स थ्रू चैट। नाउ फेसबुक इज टेस्टिंग दैट, द डे फेसबुक स्टार्टेड टेस्टिंग दैट विजय शेखर शर्मा कंप्लेन दैट दिस इज अनफेयर और ये एंड वो, फेसबुक ऐसा को, फेसबुक को क्यों ऐसा दे रहे हो एंड ऑल, इट स्टार्टेड कंप्लेनिंग द गवर्नमेंट। लेट मी टेल यू, अ फ्यू डेज बैक, अ फ्यू ईयर्स बैक, ऑल द ई कॉमर्स कंपनीज ऑफ इंडिया, ओला, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, दे ऑल कंप्लेन टू द गवर्नमेंट दैट दिस फॉरेन इन्वेस्टर्स, लाइक दे वॉन्टेड टू कंप्लेन अगेन अमेजॉन एंड उबर, दैट दिस फॉरेन कंपनीज आर डूइंग एन अनफेयर प्ले। हु आर यू फंडेड विथ? आपको किसने फंड किया है वो तो बोलो। आपके अंदर जितने भी वेंचर कैपिटल फंड है सब यूएस वाले है या चाइनीज वाले? हाउ कम यू आर नेशनल फंड और नेशनल कंपनी जस्ट बिकॉज द प्रमोटर वॉज इंडियन? आप भी तो फॉरेन कंपनी हो, आपके सब इन्वेस्टर्स तो फॉरेनर है और अभी तो बाकायदा फॉरेन कंपनी होगा आप। सो कितना हिपोक्रेसी दिख रहा है क्या आपको? ऐसा है, दीज वर कंप्लेनिंग दैट अनफेयर हो रहा है अमेजॉन का और ऊपर ये फॉरेन कंपनीज आर डोमिनेटिंग इंडियन कंपनीज एंड ऑल। दीज गाइज शो वेरी फैंसी, मतलब लिबरलाइजेशन बताते हैं एंड वेन इट कम्स टू बिजनेस तो नहीं नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ। भाई तुम लेकर आए ना वॉरेन बफे से ही फंडिंग, तुम लेकर आए ना वॉलमार्ट से ही फंडिंग, तो ऐसा है बेसिकली, इट्स बिजनेस वॉर और कुछ नहीं। बट अमेजॉन इज सर्वाइविंग एंड अमेजॉन जबरदस्त टक्कर दे रहा है और अमेजॉन को लेट मी टेल यू इट्स बिगेस्ट रेवेन्यू ऑफकोर्स मे बी कमिंग फ्रॉम ई कॉमर्स बट इट इज हैवीली इन्वेस्टेड इन वन थिंग फ्रॉम विच इट इज गेटिंग अमेजिंग अमेजिंग ग्रोथ दैट इज AWS, अमेजॉन वेब सर्विस।
उससे बहुत पैसा आ रहा है उसको, मस्त बिजनेस। और अमेजोन अलग अलग वेंचर में चले गया। अमेजोन का एक बहुत अच्छा चीज़ है, वो एंड टू एंड खुद करता है सब, पूरा खुद का वैल्यू चेन बनाता है। ये फ्लिपकार्ट की तरह और बाकी सब की तरह जुगाड़ नहीं करता, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर स्टार्टअप कंपनीज, बट अमेजोन ने पूरा वैल्यू चेन, पूरा क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ऑल खुद का बनाया हुआ है, मस्त। इट्स अ सुपर कंपनी, सो इट्स अ गुड केस स्टडी अमेजोन। ऐसा कहाँ से बुक बेचने से शुरू करके किधर पहुँच गया, जबरदस्त। और यू गेट टाइम रीड अबाउट जेफ बेजोस एंड हिज लाइफ स्टाइल एंड ऑल एंड वेर ही हाउ ही स्टार्टेड द कंपनी। मतलब द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक विच आई रेड is that my story is not like that I was poor and I became rich. मतलब मेरा ऐसा दुखदाई story नहीं है, वो बोलता है, वो मतलब वो जो author है ना, वो बोलता है कि उसके उसके life में ऐसा कोई struggle नहीं था, but जो था उसको उसने कैसे better किया, मस्त। It's a superb story, just read about his book if you get time. ऐसा चलो, and this Amazon is right now the biggest hirer of IIT Amwalas. Amazing, Amazon and Uber, they've changed the way we live. चलो बाकी का ब्रेक के बाद।